उमंग होती है कि हम इस त्योहार को कैसे बनाएंगे। हम 9 दिन के व्रत रखेंगे, लिस्ट बननी शुरू हो जाते हैं, हम व्रत के अंदर ये खाएंगे या ये नहीं खाएंगे, मतलब एक प्लानिंग शुरू हो जाता है, एक त्योहार का एक रूप बन जाता है। चैत्र मास की प्रतिपदा है, पहला दिन है, तो ये जो है विक्रम संवत 2081 जो है हमारा पहला दिन है। निर्मल जी प्रैक्टिस कर रहे हो? आवाज नहीं आ रही आपकी। कर रही हूँ सर, मॉर्निंग इवनिंग, ओके बट आप आफ्टरनून में नहीं कर पाती, बट अच्छा मॉर्निंग है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अर्चना जी कैसे हैं? अर्चना जी आवाज आ रही है? अर्चना जैन जी सर जय जय। गुरु जी, जय जय। कैसे हो? हाँ जी, थोड़ा सा ना बढ़िया। कोशिश करो ईयरफोन को ना अवॉइड करो, उसी हिसाब से अपनी सेटिंग बनाओ। मुझे आवाज नहीं आती है। उसमें वॉल्यूम का देखो क्या कारण है, उसका कारण बताता हूँ। जब ये योगा वगैरह जो भी स्वर की करते हैं ना, उसके अंदर हमारी पूरी इंद्रियों पे इफेक्ट आता है। तो जी इसमें क्या है कि आप ईयर को बंद करते हो, तो हाँ जी, ओके उस समय थोड़ा सा ध्यान रखो अपना वॉल्यूम वगैरह उसी हिसाब से करके ना, यदि प्रैक्टिस जी करने तो प्रैक्टिस करते हुए। और ये जितने भी ईयरफोन्स लग गए हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इन सेंसिंग पे इफेक्ट डालते हैं। मतलब जब लगे कभी यूज ही करना है तो यूज करो, अदरवाइज अवॉइड करो इनको। तो हाँ जी, अदरवाइज तो अवॉइड ही करते हैं जी। ये वेबिनार में ही यूज होती है गुरु जी। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो मैंने आपको स्वर चार्ट भेजा था, आपने कहा कि लेफ्ट से इनहेल करना, क्योंकि मेरा अधिकतर सूर्य स्वर चलता रहता ठीक है। है तो 2 दिन किया तब भी नहीं हुआ, एक तरफ से दिक्कत ही थी लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने डॉक्टर से, ENT से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे 5 दिन का एंटीबायोटिक्स दिया। वैसे एंडोस्कोपी के लिए बोला है कि कहीं नाक का मांस ना बड़ा हो या हड्डी ना बड़ी हुई हो, और सीधे हाथ की नाक से थोड़ा सा ब्लड भी आता है। हाँ अच्छा जी, तो अभी वो 5 दिन की दवाई चल रही है, तो मुझे इनहेल एक्सहेल में थोड़ी परेशानियां भी हो रही है। ओके कोई हाँ नहीं, जी, जितना हो सकता है आराम आराम से करते रहो। फिर होल्डिंग वगैरह पे वो तो हाँ अपने जी सेहत के हिसाब से, जैसा आपको कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से करो, जी क्योंकि ब्लीडिंग आ रही है तो इस समय क्या है, हम थोड़ा प्रेशर भी नहीं डाल सकते बॉडी पे, है हाँ जी ना। तो स्लो स्लो ही करो आप जो भी है, इसीलिए स्वर आपका फिर मैच नहीं हो रहा। हाँ जी जी तो ये पहले से चल रहा था, अभी हुआ एकदम? अच्छा पहले कभी नोटिस ही नहीं किया जी। कभी नोटिस ही नहीं किया? हाँ ओके जी कोई नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई नहीं, ये हाँ जी नॉर्मल बिल्कुल है। जी, धन्यवाद। गगन जी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? जय जैन सर, जय जिन देव की। जय जैन। हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो हाँ सर, कर रहा हूँ डेली? डेली नहीं, बस अभी 2-3 दिन से नहीं हुई, हाँ प्रैक्टिस लेकिन उससे पहले से सर रेगुलर डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मत छोड़ो भाई, हाँ जी यदि मान लो जी मॉर्निंग में नहीं हो पा रही ना कभी कभार, जी तो किसी और टाइम करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है सर। क्योंकि एक बार भी रिदम टूट जाता है ना फिर थोड़ा सा आलस बढ़ जाता है कि हाँ चलो जी कर लेंगे कर लेंगे। तो जी स्टार्टिंग है, इस समय बॉडी को बहुत अच्छी तरह हैबिचुअल बनाना है। हाँ ठीक है सर। और कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखो स्वर हम सीख रहे हैं ना, स्वर में क्या है, हम अपनी बॉडी को तो बैलेंस कर ही रहे हैं, लेकिन बॉडी नहीं सर, के साथ में जैसे अब त्योहार आ गया है, जैसे अब कल से ही है नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस प्रकार से त्योहार आते रहते हैं, पूरे साल चलते हैं, तो इनसे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे अभी अभी आपका नवरात्रि आएंगे, फिर महावीर जयंती आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से कुछ ना कुछ एक फंक्शन चलते रहते हैं, त्योहार चलते हैं, तो इन त्योहारों को हम कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर वर्किंग करने वाली सारी बात। तो जितना हम स्वर की को साध लेंगे, है ना, एक तो क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अब खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब एज बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ती है बॉडी के अंदर, है ना। लेकिन स्वर साधना करने से
वो वहीं के वहीं रुकेंगी और खत्म होने शुरू हो जाएंगी, यानी कि हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमारे सामने आएंगी, तो धीरे धीरे हो जाएंगी ठीक। तो उनके साथ साथ में हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी बॉडी को ठीक कर लिया स्वर से, उसके साथ साथ में हम अपने विचारों को, अपनी सोच को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि ये चीज आपने देखी होगी नॉर्मल में के, कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले वो विचार के रूप में हमारे मस्तिष्क में, ऐसा नहीं कि हमने सोचा मान लो आज क्लास है तो एकदम आगे बैठ गए, पहले हमारे माइंड में क्लिक करा आज क्लास है, आज वेबिनार है। उसके बाद क्या है, हमारा जो मन है अपने आप में क्या है, सोच विचार करने लगा, कैलकुलेशन करता है कि ये क्लास है मुझे करनी है या नहीं करनी है, फिर वो यस और नो का जवाब देता है। यदि नहीं करनी है तो क्या एक्सक्यूज देना है, वो भी अपने आप वर्किंग कर रहा है, मतलब हमारा माइंड मल्टीपल वर्किंग कर रहा है। करनी है तो अब मुझे क्या करना है, करनी है तो क्या है, हमारी बॉडी उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह का सारी वर्किंग ये रिदम के साथ चल रही है, वर्किंग करनी शुरू कर दी, फिर अगला स्टेप आया, यानी कि सबसे पहले विचार आया, विचार ने हमारी माइंड में कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई कि अब हमें फाइनल ये करना है, फिर हमारी बॉडी उस हिसाब से रेस्पॉन्ड करती। स्वर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी को भी रिदम में ला रहा है, हमारे माइंड को भी रिदम पे ला रहा है। उसके साथ साथ हम जो सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, यानी कि हमारी जो थिंकिंग है अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति, हम क्या चाहते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करता है। क्योंकि कहते हैं कि एक कटु सत्य है कि जो जिसके पास होता है वही देता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। ये कभी भी आप अपनी लाइफ में आजमा लो कि जो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ घटना शुरू हो जाए। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी अच्छी घटनाएं मिलेंगी आपको, यदि गलत सोच लिया तो बुरी बुरी बातें ही सुननी शुरू हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के ऊपर, क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं, एक अच्छा भी है बुरा भी है। तो हमारे देखने का नजरिए के ऊपर तो डिपेंड है, हम उसको देख कैसे रहे, पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं या नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया उदाहरण नॉर्मल चलता है कि भाई एक पानी का ग्लास है आधा भरा हुआ है, वो आपका नजरिया खाली गिलास को देख रहे हो या भरे गिलास को देख रहे हो। यदि हम खाली गिलास को देखेंगे क्या होगा, हमारे माइंड के अंदर टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, यार खाली है, खाली क्यों है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब हम फ्यूचर में आगे की सोचना शुरू कर देते जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जिसे कई बार तो एक सेख चिल्ली कहा जाते हैं, सेख चिल्ली की कहानी के रूप में हमने बचपन में सुनी कि कुछ था नहीं लेकिन वो करोड़पति बन गया बैठे बैठे। तो वही चीज यहाँ पर है कि हम सोच क्या रहे हैं, किस वे के अंदर लेकर जा रहे हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स बनने से हो जाते हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, उससे क्या हमारे चेहरे पर उस हिसाब से चमक भी आती है। यही कारण कहते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो आईना है, कि चेहरे से आप लोग भाप लोगे कि भी ये बंदा क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है बुरा सोच रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या वर्किंग वो कर रहा है, यानी कि हमारा चेहरा सब कुछ बता दे। तो कल क्या है, हमारा हिंदी, यदि हिंदू के हिसाब से देखें तो हिंदू वर्ष है, चैत्र मास की प्रतिपदा है, पहला दिन है। तो ये जो है विक्रम संवत 2081 जो है हमारा पहला दिन है। तो सब प्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, नव वर्ष की शुभकामनाएं, आपके लिए बहुत मंगलमय हो, सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। और उसके साथ साथ में क्या है कि कल नवरात्रि स्टार्ट हो रही है ना, और नवरात्रि का मतलब नवरात्रि यानी कि माँ के नौ रूप। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़े शुभ दिन होते हैं भाई, दिन भी स्टार्ट हुआ और दिन के साथ नवरात्रि का दिन स्टार्ट हुआ, यानी कि सारा सब कुछ शुभ ही शुभ है।
ये लोग त्योहारों की तरह मनाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर तो बहुत अच्छी मान्यता है, नवरात्रि के दिन हमें पूजा पाठ करनी है, व्रत प्यास करने हैं, शुद्धता रखनी है, शुभ विचारों को रखना है, बहुत सारी जो है, मतलब हमारा जब ये त्योहार आते हैं हमारे मन के अंदर एक अलग से उमंग होती है कि हम इस त्योहार को कैसे बनाएंगे। हम 9 दिन के व्रत रखेंगे, लिस्ट बननी शुरू होते हैं, हम व्रत के अंदर ये खाएंगे या ये नहीं खाएंगे, मतलब एक प्लानिंग शुरू हो जाता है, एक त्योहार का एक रूप बन जाता है। अब इस त्योहार को मनाना कैसे है, कैसे वर्किंग करनी है, ये सब हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, या हमारे रीति रिवाज जो है, हमारे बड़ों ने जो रीति रिवाज बनाए हम उनके हिसाब से वर्किंग करना शुरू कर दे। अब यहां पर आती है बात कि हम त्योहार तो मना रहे हैं, वो तो हर साल मनाते, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि इन त्योहारों की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारे साथ ही बनी रहे। उसको बनाने के लिए क्या है, हमें स्वरों के साथ में वर्किंग करनी पड़ती है कि स्वरों के साथ में हम क्या करें कि हमारे कोई भी त्योहार आए वो हमें पॉजिटिविटी दे, और इतनी पॉजिटिव दे कि नेगेटिव तो हमारे आसपास भी ना रहे। तो आज हम ये समझते हैं कि नवरात्रि पे हमें क्या कुछ करना चाहिए। पहली बात तो ये कि नवरात्रि जो है माँ के दिन होते हैं, माँ के 9 रूप, और माँ का स्वभाव क्या होता है, प्रेम वात्सल्य से भरा हुआ। माँ चाहे कितना बच्चे को पिटाई कर दे, कितना सब कुछ कर दे, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हो सकता, बढ़ता है, क्योंकि वो कुछ कुछ कह भी रही है ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी पॉजिटिविटी बनी हुई है कि मेरे बच्चों को किसी तरह का कष्ट ना हो, उसके फ्यूचर का ध्यान रखते हुए कि फ्यूचर में अच्छे काम करे, यदि कोई वो गलत काम कर रहा है तो उसको समझाना, मतलब माँ का एक ऐसा नजरिया होता है, वो बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कमी छोड़ना ही नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी कमी छोड़े जो बाद में परेशान करे, दुखी करे। वो चाहती है कि सर्वगुण संपन्न जिसे कहेंगे, सारे गुण हो, मंदिर जाना है, बड़ों का आदर करना है, और जो हमारे परिवार के संस्कार रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने, हमारे दादा ने, परदादा ने इस परिवार को बनाने के लिए जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मेरे बच्चे के अंदर। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि माँ क्या करती है, 9 दिन के अंदर हमारे अंदर बुराइयों को निकालती है कि हमारे अंदर बुराइयां रही ही ना, बिल्कुल जीरो, सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां। 9 दिन का क्या है वो बना कि 9 क्या है, अपने आप में पूर्णांक, पूर्णांग है कि 9 को जितनी बार डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो 9 ही आएगा, है ना, तो पूर्णांग है। तो माता का क्या रूप रहता है, 9 दिन के अंदर वो आपको अपने अंदर ढाल देती है कि हम कोई चीज बताते हैं, 1 दिन बताई नहीं समझ में आया, 2 दिन बताई नहीं समझ में आया, 3 दिन बताई नहीं समझ, जब बार 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 बताए तो क्या है, हमारे दिमाग में वो चीज आनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, किसी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जब हम रहते हैं, तो क्या है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी एंटर करना शुरू कर। आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत जल्दी जो है हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती, और यदि पॉजिटिव एनर्जी होती है तो वो आती तो है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी उसको कहीं ना कहीं रोकती है, और जब बार 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 ये चीज होती है तो उस नेगेटिव एनर्जी को भी एक टाइम में निकलना पड़ता है, क्योंकि ये तो बार बार अटैक हो रहा है, बार बार अटैक हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर भी कि नवरात्रों के दिन में क्या है, हम फास्ट वगैरह भी करते हैं, अपने घरों के अंदर पूजा भी करते हैं, फिर जाके मंदिर में पूजा भी करते हैं, और उस समय आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े भी बहुत कम होते, क्योंकि सबका जो मेंटलिटी है, जो सबका मिजाज है, जो माहौल है, वो क्या है, धर्म के अंदर होता है। अभी 9 दिन तो जो है हमें पूजा पाठ कंटिन्यू करने ही करने हैं, माँ को खुश करना सबका पर्पज होता है, माँ को खुश करने, जबकि ये नहीं है कि माँ जो हमें खुश करने के लिए बैठी है कि हमारे अपने बच्चों के अंदर वो बुराई छोड़ना ही नहीं चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आता है
कि जब भी आप ऐसे त्योहार आए तो सबसे पहले अपना जो मेन एंट्री है, घर की एंट्री, उसको साफ सुथरा, उसको एनर्जेटिक बनाओ, जिससे कि शुभ एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, हमारे घर के अंदर एंटर हो सके। जब हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर से आ रहे हैं, तो जितनी अच्छी एनर्जी के साथ जा रहे हैं और जितनी अच्छी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में बैठे पूजा पाठ करते हैं, आजकल तो क्या है कि इन दिनों में, 9 दिन में, कोई ये नहीं कि 10-15 मिनट बैठा है, 1-1 घंटा लग जाता है 9। तो उस समय हमें एक पॉइंट तो ये बात का ध्यान रखना है कि मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा हमें घर ही आना चाहिए, बीच में कहीं नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि हमने वहां पे क्या है, अपने शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी स्टोर कर ली, उस स्टोर को बाहर नहीं खत्म करना कि स्टोरेज डिस्चार्ज हो गई, हमें सीधा अपने घर के अंदर उस एनर्जी को लेकर, घर में आने के बाद सीधा जो आपने अपने घर के अंदर मंदिर बना रखा है, वहां पे खड़े होके नमस्कार करके 2-4 मिनट वहां पे रुकना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो ओरा है, वो पूरे घर के अंदर फैल जाए। आप मंदिर जी में खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, घर के सेंटर पॉइंट में खड़े। वो सेंटर पॉइंट में मैंने आपको पहले बताया था दिग वंदना, कि हमें दिशाओं की वंदना करनी है, कि जो हम एनर्जी मंदिर से लेकर आ रहे हैं, वो हमें अपने घर की पूरी दिशाओं के अंदर उसको फैला देना चाहिए, जिससे कि घर एनर्जेटिक बने। यदि घर के अंदर किसी की नजर लगी हुई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमें परेशान कर रही है, जिससे कि हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, बीमारी घर के अंदर फंसी हुई है, या हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है, या हम कहें कि पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, वो खर्चे पे ज्यादा ध्यान देती है। नेगेटिव का मतलब आउट होना, ड्रेनेज होना, वो ड्रेनेज किसी भी एंगल से हो सकता है, पैसे से भी हो सकता है, सेहत से भी हो सकता है, किसी विचारों से भी हो सकता है। क्योंकि जब विचार डाउन में जाएंगे तो क्या हुआ, लड़ाई झगड़े होंगे, जो हम अच्छी बात कहेंगे किसी को समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो तो डाउन में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें जो दिशाओं की हम वंदना करते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी को बूस्ट करते, इसलिए 9 दिन तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आप यदि मंदिर में जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो सीधा वहां से आप घर आओ, घर में अपनी एनर्जी को फैलाओ, उसके बाद आपको कहीं पर भी जाना है आप जा सकते, सबसे पहले। उसके बाद दूसरा काम क्या है, शुद्धता, ये बहुत जरूरी है। जो अपने जैन धर्म के अंदर तो हम बहुत ज्यादा, हमारे ऊपर बताया जाता है, जब भी गुरु महाराज कोई बात करते हैं तो सबसे पहले शुद्धता बताती है कि ब्रह्मचर्य का नियम, कि मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध और विचार भी शुद्ध। यदि आपको एनर्जी को अपने साथ रखना है तो आपको प्योर शुद्धता रखनी पड़ेगी, यानी कि 9 दिन का आपको ब्रह्मचर्य का नियम लेना है। क्योंकि नियम के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि उसकी जो, यदि आप कैलकुलेशन करेंगे, उसकी पॉजिटिव करेंगे तो मल्टीपल हो जाते हैं, क्योंकि हम नियम के अंदर बंध गए। नियम में जब बनता है तो आसपास यदि कोई गलत कार्य हो भी नहीं है तो उनका इफेक्ट हमारे ओरे पर नहीं पड़ता, क्योंकि नियम का एक ओरा मेरे चारों तरफ बंध गया, क्योंकि मैं उन चीजों से हट गया, अब मेरा संसारिक उससे कोई मतलब नहीं, मेरा ओरा एक अलग हो। ऐसे ही परिवार वालों का जब अच्छा ओरा हो जाता है तो वो एक अच्छा काम। अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो बच्चे हैं हमारे, शुरू में भी जब हम पढ़ते थे, गुरुकुल वगैरह में जाते थे, वहां पर भी ये नियम दिलाया जाता, आपको पता होगा कि गुरुकुल के अंदर ये नियम दिलाए जाते थे कि जब तक आपकी शादी नहीं होती, जब तक आपका ब्रह्मचर्य का नियम रखना है। उसके बाद कुछ क्या है, लोग दूर रह रहे हैं, तो नियम यदि दूर रह रहे हैं, हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है, तो भी आपको नियम लेने चाहिए, उनका इफेक्ट एक अलग होता है। तो यहाँ पर
आपको नियम से बंधना जरूरी है, शुद्धता यहाँ पर लानी जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, आप मंदिर जी में गए, जैसे सुबह अपने नहा धो लिए, पूरा स्वर के हिसाब करना है, सुबह उठे स्वर के साथ ही आपको उठना है, स्वर के हिसाब ही आपको मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि जोन सा दिन है आपका, है ना, तो हर दिन जो है माँ का एक रूप होता है, तो आप उन रूप को याद करके कि दुर्गा माँ की मेरे ऊपर कृपा बनी हुई है और मैं उनकी कृपा से निरोगी हूँ, मेरे घर के अंदर जो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, स्वच्छता है, मेरे घर के अंदर प्यार है, आपस में बहुत प्रेम है, जो भी आप चीज बोलना चाहें अपने परिवार के लिए, जो चीज मांगना चाहें, तो वो भी मैनिफेस्टेशन के अंदर बोल सकते हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन किस में करनी है, प्रेजेंट के अंदर करनी है, ना पास्ट ना फ्यूचर, इस बात का आपको ध्यान रखना। स्वर के साथ उठे, स्वर के साथ हमने नहाए और उसके बाद हम मंदिर जी में बैठे। अब यहाँ पर क्या काम, विशेष काम यहाँ पर आता है, क्योंकि इस समय क्या है, हमारा पूरा जो हमारा ओरा है प्योर प्योरिफाई हो चुका है, शुद्ध है एकदम, तो जो हम चीज सोचते हैं तो उसके अचीव होने के चांसेस मल्टीपल हो जाते हैं, इसीलिए इन त्योहारों की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। अब आप मान लो किसी के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हुई, तो अब उनको टेंशन है बच्चों की शादी करनी है, तो क्या करेंगे आप, एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर रेड कलर से जैसे ऊपर लिख लिया, जैसे कल माता के दिन शुरू हो रहे हैं तो कल ही आप कर सकते हैं, तो ऊपर लिख लिया जय माता दी, या जो कि नाम भी लिखना है माता का, हमने नाम लिख लिया। उसके बाद पॉजिटिव वे के अंदर कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे की शादी हो गई है ना, हम बहुत खुश हैं, सभी प्रेम से रह रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं वो लिख ली। उनके साथ साथ में जो भी और इच्छाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरा बच्चा पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कहना मानता है, परिवार के अंदर सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी कृपा से हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है, मेरा कोई भी दुश्मन वैरी नहीं है, हमारा आपस में प्रेम है, तो ऐसे करके आपकी जो भी इच्छाएं उस पेज पर लिखो और वो पेज जो है मंदिर जी में रख लो। उसके साथ में क्या करना है, ये रख लिया, अब ये जो चीज लिखते हैं हम लिखते हैं रेड पेन से, रेड या सिंदूरी कलर, जो हनुमान जी का कलर होता है ना सिंदूरी कलर, उससे लिख। अब आप कहेंगे कि कई बार हमें पेन नहीं मिल पाता, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कलर जो ब्लू कलर है या पेंसिल से भी आप अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं। उसके साथ में जो सिंदूर होता है, जो रोली होती है, सिंदूर भी रोली भी कोई भी रोली ले लें, उसको थोड़ा सा करके अपने पेज पे छिड़क दे, मतलब रेडिश कलर, जैसे शुभ शुभ चिट्ठी लिखते हैं तो रेड कलर की छिड़काव देते हैं ना उसके अंदर रोली का, तो वैसे करते हैं, यानी कि मैंने इस पेपर को पवित्र बना दिया है ना। तो उसके अंदर यदि आपकी प्लास्टिक की थैली है तो प्लास्टिक के रैप में रख के मंदिर में रख ले। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर रखना है पानी का कलश, ये बहुत जरूरी है, पानी का कलश, क्योंकि पानी जो है वो हमारे परिवार के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यदि आप ये कर सकते हैं, आपने अपनी इच्छा को करा और प्लास्टिक के पेपर में रखा, तो वहीं पर आपके मंदिर जी में जगह है तो पेपर रख दिया और उसी के ऊपर आप रख दो कलश, है ना, और बड़ा आपका कलश होना चाहिए, उसके अंदर पानी भर दिया। अब जब आप बैठेंगे तो जो जाप करेंगे, तो आपने अपनी जाप करी, जाप जब बोल बोल के करते हैं तो क्या आपकी साउंड जो है पूरे उसके अंदर फैल रही है, फैलने के बाद यानी कि पानी के अंदर आपकी साउंड जा रही है। उसके बाद आप मंदिर में गए, मंदिर में अपनी पूजा पाठ करके वापिस आए, वापिस आने के बाद आपको मंदिर जी में 5 मिनट की एक जाप जरूर करनी, जो कि हम जो वाइब्रेशन से लेकर आए हैं, जो हमने ओरा बढ़ा कर लेके आए हैं, वो वहां पे मंदिर जी के अंदर हमें लेकर आना है, जिससे कि हमारी साउंड से जो मंत्र निकलेगा उससे मेरा पानी चार्ज। अब पानी का क्या करना है, एक तो हमें
पीने के लिए, यदि आपके घर के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है उसको दो। दूसरा, जो आपने पेपर के अंदर लिखा है, जो मनोकामना लिखी है और उससे रिलेटेड पर्सन यदि आपके पास है, जैसे बच्चों के बारे में आपने लिखा बच्चे वहीं पर हैं तो वो बोले पानी थोड़ा सा उन बच्चों, किसी के हेल्थ के बारे में लिखा है पर्सन वहीं है तो वो पानी उस पर्सन को, किसी बच्चे की शादी होनी है आपने उसके बारे में लिखा है तो वो पानी उस बच्चे को पिला। तो ऐसे करके जो रिलेटेड पर्सन है जिसकी मनोकामना आपने लिखी है उसी को वो पानी पिला, और जो पानी लास्ट में बच जाए वो अपना रसोई घर में खाना बनाने में उसको यूज कर। और ये डेली करना है। यदि आप सुबह दोपहर जाप पाठ करते हैं मंदिर में तो पानी भी आप हर बार रखो, यानी कि पानी को खत्म ना होने दो, पानी खत्म हो गया दोबारा रखो, क्योंकि ये 9 दिन जो है लगातार हम कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं मंदिर में बैठ, तो आपको कंटिन्यूशन के अंदर ये चीज करनी है जिससे हमने मंदिर में कर ली। मंदिर जाते वक्त क्या करना है? मंदिर जाते वक्त यदि आपको स्वरों का ज्ञान है तो आपको जो एक्टिव स्वर है उसी कदम को अपने घर से पहले बाहर निकालना है। मंदिर जी में पहुंचे, मंदिर जी में स्वर के हिसाब से ही एंट्री करनी है। और जब हम जल चढ़ाते हैं, जैसे भगवान शिव पे हम जल चढ़ाते हैं, तो हमें उसी स्वर के हिसाब से उसी हाथ से हमें जल चढ़। अब आप कहेंगे जल उस हाथ से कैसे चढ़ाएं? यदि मान लो मेरा लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट बल्कि पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन लेफ्ट तो जो है हमारा बायां हाथ है, तो कुछ लोग टूटते हैं यार आप बाएं हाथ से कर रहे हो कुछ दाएं हाथ से। पहली बात तो अब लोगों की परवाह नहीं, फिर भी इसके अंदर क्या तरीका होता है, जैसे हमने जो भी लोटा है जो भी लिया तो उसमें वर्किंग क्या होती है, हमें उस पार्ट को आगे रखना होता है ना, लोटे को ऐसे पड़ा और जो राइट हैंड ऐसे करके ऐसे कैसे करके कर दिया, यानी कि जोन सा आपका एक्टिव पार्ट है चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है तो उस हाथ को हमें आगे रखना, या कहें कि उस हाथ में लोटा ले लो और दूसरे हाथ को लगा के आप जो है नमन कर सकते हो, तो इस हिसाब से वहां पे करना है। जैसे कोई वहां पर सामग्री चढ़ानी है, गोला चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, तो भी आपको जो चलित स्वर है उसके हिसाब से ही वहां पर जो है गोला और वो चढ़ाना है, दीपक जलाना है। तो दीपक जलाते वक्त विशेष ध्यान रखना है, एक तो हमें चलित स्वर में करना है लेकिन सुगुण में भी करना है, क्योंकि आप मंदिर जी का दीपक जला रहे हो वहां पे, है ना। सुगुण आपको पता ही है, सुगुण का क्या मतलब होता है कि इनहेल किया और जो हमारा एक्टिव स्वर है उस हाथ से हमने लेके दीपक जलाते, और दीपक जलाने के बाद एक्सहेल कर दिया, और आपने अपनी जो भी आपकी मन की इच्छा थी वो आपने उस समय जाहिर कर ली और आपने भगवान का दीपक जला। कि जिस प्रकार से दीपक जलता है उसी प्रकार से मेरे परिवार में और मेरे उसके अंदर रोशनी ही रोशनी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये वर्किंग करते हैं सारे। तो यहाँ पर हम दूसरा क्या है कि जब हम मंदिर जाते हैं, एक होता है सिंदूर का। सिंदूर जो है आपको या तो मंदिर से लेकर आए या सिंदूर घर से ही ले जाए, वहां पर माँ के चरणों में रख के उसको वापिस ले, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। सिंदूर अपने घर में रखें, सिंदूर आप लेडीज लगाती ही हैं, उसके साथ में तिलक लगाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, सिंदूर कर लें रोली कर लें, कोई भी एक आइटम या दोनों भी आप मंदिर में लेके जाएं, भगवान के चरणों में माता के चरणों में लगा के अपने घर ले आएं। जब भी बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, कोई विशेष काम में जा रहा है, मान लो कोई इंटरव्यू या इंटरव्यू के लिए जा रहा है या सुबह ऑफिस में जाते हैं, तो क्या है उसका तिलक लगाकर वो चले। वहां पर क्या होता है कि यदि व्यक्ति सुस्त है, एनर्जी उसको नहीं मिल पा रही है, तो
तो जैसे ही यहाँ पर आज्ञा चक्र पर वो सिंदूर लगाता है या यहाँ पे तिलक लगाता है, तिलक लगाते ही क्या हो गया, आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है और वही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। एक तो क्या होता है कि उनको ये ध्यान होता है कि ये नॉर्मल जो है तिलक नहीं है, ये क्या है, माता के चरणों से स्पर्श किया हुआ तिलक है, मंदिर में रखा हुआ है, तो वहां पे क्या पॉजिटिव एनर्जी आई, उससे आपने तिलक लगाया, आप खुद भी लगा सकते हैं और कोई परिवार का मेंबर भी लगा सकते हैं। तो आपने जब तिलक लगाया तो उसके अंदर जब आप आंख बंद करके तिलक लग रहा है तो फीलिंग लेकर आए कि जो है मेरा आज्ञा चक्र जो है एक्टिव हो रहा है, आज्ञा चक्र है ना, थर्ड आई मेरी एक्टिव हो रही है, तो वहां के एक बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आती है। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो वहां पर दूर होनी शुरू हो, आपका जो है आज्ञा चक्र भी एक्टिव होता है और बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ भी जाता है। और आजकल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि तिलक लगाना आज एक कॉमन हो गया है, पहले लोग तिलक नहीं लगाते थे, शर्माते थे यार तिलक लगाएंगे कौन क्या के, लेकिन आजकल ऐसा नहीं, आजकल अच्छा मानने लगे हैं कि तिलक लगा हुआ है इसका मतलब ये जो है रिलीजियस नेचर का बंदा है, धार्मिक प्रवृत्ति का बंदा है, मंदिर जाता है, इसका मतलब इसके साथ व्यापार करना एक अच्छा है क्योंकि ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ये एक आज की मेंटलिटी बन गई है। तो इससे कितना बेनिफिट हुआ है ना, उससे बिजनेस पे भी इफेक्ट आता है, गद्दी पे कोई बैठा हो, काउंटर पे कोई बैठा हो, तिलक लगाए बैठा, तो बंदा कोशिश करता है इस व्यक्ति के साथ मैं बिजनेस करूं, तो आप उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। और घर के गेट के ऊपर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो सजाते हैं, इसमें मैंने बताया था आपको, एक तो भगवान की फोटो गेट पे नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके साथ साथ में आप बंदरवाल लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं है ना, और आम के पत्ते लगा सकते हैं, उससे भी सजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि यदि फूल सूख जाएं, आम के पत्ते सूख जाएं, तो उसको हटा दो, हटा के नए लगा, यानी कि हमें यदि वो सूख रहा है उसको नहीं रखना। इसके दो चीज कारण होते हैं, एक तो क्या होता है यदि गेट के ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी यदि है वो एंटर करने की कोशिश कर रही है तो ये ऊर्जाएं उसको रोकती हैं, तो ऐसा है तो क्या है पत्ते जल्दी सूखते हैं। आपने देखा कुछ लोगों के देखते हैं कि लगाते हैं पत्ते बहुत जल्दी सूखते हैं, यानी कि वो एनर्जी आपको आपके घर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो जैसे ही सूखें इमीडिएट उतारो, पार्क में मिट्टी में कहीं पे भी डाल दो और वहां पे नए लगा दो, जिससे दोबारा एनर्जी वहां पर बन जाए और मेरा घर प्रोटेक्ट। उसके साथ साथ में यही काम हम अपने ऑफिसेज में भी कर सकते हैं कि आम के पत्ते लिए और आम के पत्तों से हम अपने ऑफिस की जो मेन एंट्री है उसके ऊपर लगाएं। उसके साथ साथ में आप जो मंदिर है, जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का गल्ला होता है ना, गल्ले में भी आप जो है रोली का तिलक लेके जाएं, हल्का सा छिड़काव उसके ऊपर कर ले, गल्ले को करके उसको चार्ज करें, जैसे मैंने चार्ज करने बताया था आपको, पांच उंगलियों से ओम बोल के उसको चार चार चार्ज करना, मैंने आपको पानी के लिए बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे हमने गल्ला खोला तो हमने पांच उंगली बुलाई और पांच उंगली से बोला ओम बनाते हुए, ओम चार्ज चार्ज चार्ज, तो क्या हुआ वो एनर्जी जो है हमने अपने काउंटर को दी, अपने गले को दी, तो वहां पे भी वो एनर्जाइज होता है। उसके साथ हम अपने ऑफिस के ब्रह्म स्थान को दिग वंदना के द्वारा भी एक्टिव करें। अब एक आज पर्सन का फोन आया कि जी हम तो वर्क फ्रॉम होम है तो हम क्या करें, तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले व्यक्तियों के लिए है कि जहां पर वो बैठते हों, जिस भी कमरे में उन्होंने कोई अलग कमरा बना रखा होगा, तो जिस कमरे में बैठते हैं तो उसको पहले एनर्जी दे, वहां पर एनर्जी देने के बाद ही अपना काम करें, एनर्जी वो दिग्वंदना से आप दे सकते हैं। यदि वहां के एंट्री अलग है
तो ये मान के चलो कि ये आपका एक ऑफिस अलग हो गया, चाहे वो घर में है और एंट्री आपकी सेपरेट है तो सेपरेट एंट्री होगी। तो एंट्री का ध्यान रखो आप कि एंट्री को कैसे मैंने पॉजिटिव बनाया, मैंने आपको तरीके बताए उस हिसाब से आप अपनी पॉजिटिव बना सकते। तो हमें जो करना है मेन काम है कि हमें अपने घर की एनर्जी को बनाकर रखना है, मेंटेन कर जितनी ज्यादा इन 9 दिनों के अंदर अपनी एनर्जी बनाओगे, अपने घर की एनर्जी बनाओगे, चार्ज किया हुआ पानी अपने परिवार वालों को पिलाओगे और जो मंदिर में पानी रखा है उसी से अपना खाना बनाए, तो आप देखना आपकी बहुत सारी घर के अंदर छोटी छोटी बीमारियां जिनका हमें पता भी नहीं होता वो अपने आप ही दूर हो जाए। बीमारियां भी दूर होंगी, हमारी मानसिकता है वो भी ठीक बनेगी, बच्चों के साथ आजकल नॉर्मली फोन्स आते हैं कि बच्चे जिद्दी हैं तो क्या करें, तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट, उसके अंदर क्या कर सकते हो आप कि आपने मंदिर में पानी रख रखा है तो पानी थोड़ा सा आपने कटोरी में ले लिया जितना उसको पिला, और जब आपके हाथ में हो जाए तो आप क्या चाहते हैं बच्चे से वो आप बोलना शुरू करो, तो आपकी जो एनर्जी है उस पानी के अंदर चली गई और उसी पानी को बच्चे को पिला दो, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही बच्चों का व्यवहार चेंज होना शुरू हो, तो जब व्यवहार चेंज होगा तो आपको वो चीज अच्छी लगने लगेगी कि एनर्जी कितनी जल्दी है। और यही काम यदि माँ करती है तो ये इफेक्ट बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि जो एनर्जीज हैं माँ और बच्चा बहुत जल्दी जो है कैप्चर कर देते हैं, एक दूसरे को बहुत जल्दी पहचानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये वाली वर्किंग कर सकते हैं और आपको अपने 9 दिन का जो है प्रोग्राम इसी हिसाब से बनाना है। अभी आपको किसी से कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं बताए क्वेश्चन पूछ रही थी कि बिना जी। सर एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि अभी जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन करना है पहले दिन फर्स्ट डे मैनिफेस्ट करना है, तो क्या सर वो 9 दिन अलग अलग मैनिफेस्ट करना है या एक ही दिन करके 9 दिन तक कंटिन्यू करना है, कैसे करना है? देखो इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन बना लो पूरी जी की पूरी और वो जी डेली बोलो सेम, अच्छा बोले लिखे तो नहीं ना डेली? नहीं लिखने तो एक बार है, वही वही पूछ रहे लिखना थे सिर्फ एक बार है, जी। उसको पढ़ना डेली है। ठीक है जी। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो आपने लिखा है वो आपके माइंड के अंदर कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है आपने लिख लिया तो अब जब आप डेली पढ़ रहे हो बार 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 पढ़ रहे हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जाएगा फीड। तो एक बार में लिख लो, बेकस एक बड़ा पेपर ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप पूजा करने लगो पूजा के बाद उसको पढ़ लो। ठीक इसी हिसाब से अपने मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं, आप क्या करते हैं ठीक तो वो चीज उसका इफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनदेव की। अनुराग जैन बोल रहा हूँ जी। जैसे आपने बोला कि जल रखना है कलश भर कर मंदिर में, जी और चार्ज करने के बाद जिसके लिए भी वो रखी है वो पिलाना है उसमें से पानी। तो हाँ हाँ जैसे मान लो 2 गिलास या 2.5 गिलास या 3 गिलास जितनी भी क्वांटिटी का कलश रखा है ठीक है। उसमें से निकाल के पिलाया, तो उसको रिफिल भी करना है जब भी? देखिए उसके अंदर डिपेंड करता है आपको कितने पानी की जरूरत है, जी ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं सुबह और शाम दोनों टाइम कर रहे हैं या सिंगल टाइम कर रहे हैं। जी एक टाइम के हिसाब से। जी हाँ यदि आप एक टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी रखो और इसी हिसाब से रखो, थोड़ा थोड़ा करके सबको पिला सको, मतलब फैमिली वाले भी पी लें, खाने में भी डल जाए, पीने के जी पानी में भी डल जाए, ठीक है, अच्छा, और खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे फिर दोबारा भर लो। मतलब खत्म हो जाए तो फिर उस कलश को हटा देना वहां से, हाँ अगले और दिन दोबारा भर के रख दें फिर उसको। जी नहीं, हटा सकते हो यदि आपको शाम को भी पूजा करनी है फिर आपको रिफिल करके रखना है, यदि शाम को भी पूजा करते हो चाहे एक जाप ही क्यों ना करते हो, जी ऐसे नवरात्रि के दिनों में शाम को जाप करनी चाहिए,
क्योंकि हमें सुबह की भी एनर्जी मिलती है और शाम की भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि दिन छिपता वक्त मतलब सनराइज और सनसेट दोनों एक ऐसे समय होते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। दूसरा, अच्छा इन दिनों में जो 12 बजे का समय होता है, दोपहर के 12 बजे का और रात के 12 बजे का, ये दो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अच्छा देखा होगा दिवाली के दिनों में रात को 12 बजे तो सभी गुरु महाराज भी बताते हैं कि आप 12 बजे की जाप जरूर करो। अच्छा अच्छा तो अच्छा वहां पर अपने घर की यदि कोई भी नेगेटिविटी है उनको खत्म करने का एक बहुत अच्छा समय वो बताएगा। ये जो इतने भी तंत्र मंत्र तांत्रिक होते हैं 12 बजे काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं हाँ वही काम हम सात्विकता के साथ कर रहे हैं, है अच्छा जी ना। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस अपने को सुख करना है, अपने बच्चों को सुख करना, यानी कि हमारा पूरे संसार में जिसको भी हम जानते हैं हम उसके अंदर सुख चाहते हैं, जैसे तो उस समय करना एक बेटर होता है। शाम के आपने बताया जाप तो हम कोई भी कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि माता से रिलेटेड ही जाप की जाए। नहीं, अपने धर्म से रिलेटेड आप कोई भी जाप कर सकते, आप बीज मंत्र भी बोल सकते हो, आप खाली ओम की जाप भी कर सकते हो, अच्छा ओम नमः शिवाय ओम। मतलब जाप क्या होता है, सुबह जैसे आपने माता की कर ली, जो भी दिन है, जी देखिए ओम जो एक बीज मंत्र ऐसा है इसके अंदर सभी देवी देवता विराजमान है। यदि आपने जी ओम की जाप कर ली या पर्टिकुलर किसी की भी जाप कर ली, बात एक है, ये हमारे मन की तसल्ली वाली बात है कि हम किसके अंदर क्या रूप देख रहे हैं। जी जिसमें आपको अच्छा लगे आपको वही काम करना जी तो जैसे शाम की चाहिए। जैसे आपने बताया कि शाम को कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो हुँ। शाम को की उस वक्त फिल कर दिया, अब फिर मान लो नहीं पीने में, तो सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं ना जल को। हाँ, कर सकते हैं। वैसे देखिए रात को कभी भी जल रखते नहीं हैं हम, दिन छिपते वक्त हमने जी रखा और अपने जाप कर ली, हाँ तो उस पानी को अपने पीने वाले पानी में मिक्स कर दो ना। जी मिक्स कर दें, ठीक है। हाँ, क्योंकि रात को जल रखते नहीं है, सुबह ताजा ही जल रखा जाता ठीक है तब, बहुत है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत एक चीज, धन्यवाद। ओके, और यहाँ पर एक चीज और विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो खाना होना चाहिए बहुत ज्यादा सात्विक होना चाहिए। सात्विक से मतलब है कि तामसिकता बिल्कुल भी नहीं, लहसुन प्याज नहीं प्याज होना चाहिए, लहसुन ज्यादा मसाला ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा एक ट्रेंड और चल पड़ा मार्केट में, क्या कि कहते हैं त्योहार के दिनों में मार्केट के अंदर ना त्योहार से रिलेटेड ही खाना मिलता है, चलो बाजार में खाते हैं, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। व्रत की थाली। हाँ, व्रत की थाली बोलने लग गए हैं लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके अंदर उतनी स्वच्छता हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता, वो होटल वाला तो अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से काम कर रहा है, उसको तो अपनी सेल बढ़ानी है, उसको तो एक ट्रिक है। जो अंदर बनाने वाले हैं वो कैसे हैं, किस विचार के साथ खाना बना रहे हैं, कितनी शुद्धता के साथ खाना बना रहे हैं, वो नहीं कर सकते। तो यदि आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करनी है तो आपको अपने घर के अंदर बना खाना ही खाना चाहिए, जिसके अंदर प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल सात्विक सिंपल कम मसालों। जी इसके साथ में एक चीज आती है त्याग करना, तो आपको एक चीज का त्याग भी करना चाहिए। और त्याग क्या, जैसे 9 दिन है तो आप देखो कि आपके पास आप क्या खाते हो, क्या फ्रूट, क्योंकि नॉर्मल हम फ्रूट लेते हैं है ना, जी तो फ्रूट में कौन सा ऐसा फ्रूट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी, मतलब उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता, वो इस समार है, तो हमें उसी फ्रूट का त्याग, क्योंकि नॉर्मल तो त्याग करते हैं। एक होता है मन पसंद आइटम का त्याग, इसके अंदर जी दो चीजें हैं, आप उस आइटम का 9 के 9 दिन भी त्याग कर सकते हो, या आप हर रोज एक एक आइटम करके भी, आज मान लो आजकल जैसे तरबूज आया हुआ है, भाई जो है कल है मंगलवार, मंगलवार के दिन मैं तरबूज नहीं खाऊंगी, उसके बाद बुधवार आया तो मैं खरबूजा नहीं खाऊंगी, ऐसे करके 9 आइटम निकाल लो कि आप जी क्या करना, हर दिन एक हर चीज का रोज त्याग किया जाए। एक फ्रूट का त्याग करना ही करना। और जब हम अपनी मनपसंद चीज का कोई त्याग करते हैं तो उसका कहते हैं कि आने वाले जन्मों में बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि हमने अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं कंट्रोल करा, तो
तो हमारी कंट्रोलिंग पावर भी वहां पर बढ़ती है कि मेरा मन भी नहीं करा, मेरे मनपसंद आइटम होने के बावजूद भी मेरा मन खाने को नहीं करा क्योंकि मैंने उस चीज को त्याग किया और मेरे अंदर ही ठीक कंट्रोलिंग पावर अपने आप आ, है ना। भाई, धन्यवाद प्रिंसी जी, ओके, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनदेव की। आपकी वीडियो हाफ आ रही, थोड़ा कैमरा ठीक करो जी। जैसे आपने बताया कि जल रखने का मंदिर में, तो ये कितनी देर रख सकते हैं? मतलब ये है कि जैसे जाप वगैरह दे के फिर ले उठा सकते हैं, या फिर हाँ उठा लीजिए। जैसे कि मंदिर जाने से पहले घर पे, जैसे मंदिर बना है और मंदिर जाना, तो उसके पहले घर पे करके फिर ला सकते हैं नीचे ना? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने जल रखा, अपने घर की पूजा पाठ कर ली, पूजा पाठ करने के बाद आप मंदिर चले गए, जी मंदिर से वापिस आए, वापिस आने के बाद आपको 5 मिनट मंदिर में दोबारा जाप करने है, उसके बाद आप पानी को। हाँ अच्छा, यदि बीच में आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ऑफिस वगैरह जा रहे हैं तो आप बीच में उनको पानी दे सकते हो उसमें से। लेकिन ठीक है। लोटा खाली नहीं करना, खाली जब ही करना जब आपकी सारी पूजा पाठ हो जाए, फिर आपको अपने जो खाना बना रहे हो उसके अंदर पानी निकाल के फिर आप उसको खाली कर सकते हो। और यदि शाम की भी पूजा कर रहे हो तो खाली हो जाए फिर दोबारा भर के रख लो। मतलब शाम की पूजा में भी रख सकते हैं, जैसे शाम को भी पूजा करते हैं तो? जी, पानी देखो, पानी क्या होता है, पानी के अंदर ना मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, जो आप बोल रहे हैं वो सुन रहा है पानी, और वो चीज को रिटेन कर लेता है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो पानी तो सबसे अच्छा, मतलब ये समझ लो यंत्र है हमारे लिए, कि पानी से हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं, किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते नहीं तो ये चीज मतलब तेज बोल के बोलना पड़ता है, या मन में भी जो अपन जैसे जाप देते हैं या मन में कुछ सोचते हैं तो उससे भी असर होता है? हैं। फर्क पड़ता है, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो उसका फर्क ज्यादा आएगा। मन अच्छा, में आप बोलते हैं तो क्या है, मन के अपने शरीर के अंदर जो कहेंगे जो सेल्स होते हैं वो एनर्जाइज हो रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं तो बोलने से क्या है, जो भी आपके आसपास आइटम्स रखी हैं वो भी एनर्जाइज हो रहे हैं, साउंड जा रही है ना उसके अंदर, जी साउंड से आसपास होते हैं। जब भी तो हम कहते हैं कि ओम बोलें तो जोर जोर की बोलें, कई बार पार्क में जाते हैं आप देखते हैं ओम बोलो जी सब मिलके जोर की आवाज करो, जिससे पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो साउंड आए। जब नहीं, वाइब्रेशन मेडिटेशन क्रिएट करते होती हैं है जी। शांति से करते हैं, जब हम कहते हैं भी आप शांति से मेडिटेशन को, अपने अंदर के जो सेल्स हैं जो बीमारी हमारी बढ़ा रहे हैं, सेल्स डेड हो गए हैं, यदि मान लो बदन में दर्द हो रहा है या कोई बीमारी होगी, तो इट मीन सेल वहां के एक्टिवेट हो गए, पर्टिकुलर डीएक्टिवेट हो गए, तो उन सेल को एक्टिवेट करना होता है, जितने सेल एक्टिवेट होंगे उतना आपके लिए बढ़िया। तो जो हम बोलने से वाइब्रेशन क्रिएट होगी जी। वाइब्रेशन, हाँ नहीं वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जो साउंड जाएगी वो वाइब्रेशन पानी में से तो जाएगी ना, या आसपास जो भी सामान रखा है उसमें से गुजरेगी, पूरे पूरे जहां बैठे हैं पूरे एरिया में वाइब्रेशन क्रिएट होगी एरिया में, और बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा, थोड़ा हाँ। सा उसे इसीलिए महसूस करें, मैं, जब बोलने के बाद रुकेंगे ना तब हाँ, महसूस करेंगे वो आवाज गूंज रही होगी हमारी वहां पर ही। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि ऑफिस के अंदर हम तो जहां जाते हैं चीज करा के आते हैं, कि ऑफिस में प्रेयर करनी चाहिए, जैसे हम स्कूलों में प्रेयर करते थे, जी ऑफिस में भी प्रेयर करनी जरूरी है। उससे हाँ क्या है, जितने जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं सारे इकट्ठे होके जब बोलते हैं ना, कोई जो चीज आप बोल रहे हो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, और वहां पे कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मतलब कंपन पैदा हो गई जी और पूरी बॉडी के अंदर झंझनाहट आप महसूस करेंगे कि कितना अच्छा वहां पे लग रहा है एक चीज और पूछना चाहता हूँ बीच में, सॉरी डिस्टर्ब करने के जी लिए, जी जी आपने एक बार बताया था फिटकरी रखने के लिए, तो फिटकरी जी बाथरूम और टॉयलेट के लिए रखे होती है जी, हाँ, बाथरूम टॉयलेट की फिटकरी? बाकी तो कहीं नहीं ना। नहीं, ऐसा होता है वहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है,
तो फिटकरी की स्मेल उसको खत्म करती है। अच्छा सेंधा नमक, फिटकरी और कैम्फर, ये तीन चीज रखी जाती हैं अलग अलग बाउल के अंदर। अच्छा अच्छा और अच्छा वो भी एक डली में नहीं रखनी, जैसे कंचे होते हैं ना छोटे 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 हाँ पीसेस, छोटे छोटे उस ठीक हिसाब से रखनी। और ऊपर में है रखनी है, किसी बंद अलमारी में नहीं रखनी, जिसे हवा के अंदर उसकी स्मेल बनी रहे। ठीक ठीक है नहीं? ओके धन्यवाद ठीक, साहब। ओके। मीनू गुप्ता जी, मिनी दीपक जी, जयेंद्र जय जिंदेव की भैया एक्चुअली ना हम रेंट पे हैं, आपसे पहले बात की थी प्रेक्षा हमारे जी के द्वारा, तो जी। हमने मंदिर ना वैसे बनवा रखा है जैसे बाजार से लाते हैं, ठीक है। तो हमने सुना भी मंदिर टांगते नहीं है, तो नहीं ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं टांगते टांगते हैं। ओके एक हम बाबा गज्जा जी को मानते हैं, बरड़ हैं, तो हाँ, एक मंदिर वहां पे बनाया, हमने दो मंदिर बनाया तो ठीक है, दो मंदिर बनाए एक घर के अंदर, एक तो हाँ माता का बनाया हुआ है, एक बाबा गज्जा जी का। नहीं वो अलग चीज होगी। माता का मंदिर और बाबा का तो आपने उनको मान रखा है, मतलब पितरों के हिसाब से बना रखा है, या कोई आपने मतलब अपने पूर्वजों के हिसाब से जिनको मानते हो। हमारे कुल देवता जी बरड़, अच्छा कुल देवता है, ठीक है ठीक है, वो अलग अलग बनता है। हाँ जी कुल देवता का मंदिर अलग बनता है, और जो हमारे देवी देवता है उनका मंदिर अलग बनता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके। एक भक्तांबर करती हूँ, वहां पे भक्तांबर का पाठ रखा हुआ है, वो फोटो दी है महाराज जी ने, प्रेक्षी हाँ महाराज, तो जी वो जी जी एक जगह वो करती हूँ मैं पाठ, कोई बात नहीं ऐसे। अच्छा नहीं नहीं ठीक है बढ़िया। तो भक्तांबर जो, का पाठ तो आप कहीं पर भी करेंगे ना, तो हाँ इसमें जी जो 48 श्लोक्स होते हैं उनकी एनर्जीज मिलती हैं। थोड़ा सा आपको बस यहाँ पर ध्यान देना कि स्पीड नहीं बनानी, स्लो ओके स्लो पढ़ना है बस। कई बार हम इतनी स्पीडली बनाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं, बस ये है कि पाठ पूरा हो गया। तो उसको समझो, हर रोज जो करो ना एक का अर्थ भी लेके चलो। जैसे मान लो आज 40 पहला करना है, पहला ही दिन है, तो पहला जो है पद है उसको पूरा पढ़ के, उसकी एक माला जाप करके, उसका मीनिंग समझ के फिर आगे के पढ़ लो। अगले दिन पहला कर लिया तो दूसरे पे वही ध्यान दो, फिर तीसरे पे, ऐसे करके 48 दिन का वो बनाओ, तो उसका देखना आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ओके। नहीं वैसे तो मैंने एक बार वो शुरू किया हुआ, महाराज जी ने बताया था, ऋषि महाराज जी ने जी 45वीं गाथा 48 दिन ना, वो तो वो भी आपने स्पेशल, किसी पर्पस से बनाई है फिर इसका। हाँ जी ऋषि महाराज जी ने बोला था, वो अपनी थी ना थी, उसने शुरू किया था 6 मार्च को, केवल ओके ज्ञान था जी का, ठीक है ठीक हाँ उसने शुरू किया था। अब 48 दिन पूरे करने के बाद फिर जैसे आपने बोला वैसे शुरू कर लो, ठीक है हाँ हाँ वो तो अपने हिसाब से जो भी आपने कर रखा है उसके हिसाब से। ठीक। और एक जो पानी का लोटा रात को भी भर के रखते हैं मंदिर में, नहीं, दिन में नहीं रात ओके को खाली कर देना है। हाँ जी हाँ दिन थैंक छिपने के यू बाद नहीं रखते कभी भी, दिन छिपने ओके तक ठीक ही रखते हैं, मतलब जो रात शाम की जाप करनी है उसके बाद हटा लेते हैं। है थैंक यू भैया। ओके अर्चना पाटिल जी नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे सर हो मंदिर, बस ठीक हो सर? जी अच्छे बताएं। सर, मंदिर में हम लोग जो विश लिस्ट रखेंगे उसका बाद में क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, वो तो रखी रहेगी आपकी, जब आपकी पूरी हो जाए तो उसको हटा दो। मतलब जब जब तक पूरी नहीं हो तब तक, तो ऐसा कुछ नहीं, जब तक नवरात्रि रखो तक, हैं, नवरात्रि तक ही रखना है, ऐसा नहीं है? नहीं, उसको बाद में भी रखो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग विष की अलग अलग पर्ची भी बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जोन सी विष पूरी हुई उसको निकाल लिया, और जोन सी और आ रही है तो उनको ऐड कर दिया, ये भी काम कर सकते हैं, और एक पेज पर भी लिख सकते हैं। वो निकालना है मतलब कट करना है वो विश हाँ को, वो निकाल के हमने बाहर फेंक दो, निकाल के पूरी होगी मेरी, तो उसके वो पीसेस करके नहीं हम लोग एक ही पेज पे अलग अलग विश लिखेंगे, उसमें से हाँ एक विश हो गया फिर अब पूरी होगी, बाद। उस पर टिक लगा दो, उस पर टिक लगा दो, हाँ उसको टिक लगा, जब तक पूरी नहीं होगी जब तक तो पेपर हटा नहीं सकते ना, तो जोन सी होगी उसके ऊपर टिक लगा दो। और यदि आपने अलग अलग पर्ची बना रखी है तो अलग अलग लोग वैसे नॉर्मली अलग अलग बनाते हैं, तो त्योहार पे एक बना सकते हैं हम। यदि मान लो आपके 10 विश हैं तो आप 10 पर्ची अलग अलग बनाओ, सबके ऊपर लिख दो, एक नंबर दो नंबर,
लेकिन वो यह कि आपको पढ़ना पड़ता है, जो भी विषय उसको पढ़ोगे, जो भी तो हमारे विष पूरी होगी, तो जो सी विष पूरी हो जाए उसको निकाला, उसके पीसेस करे और गमले की मिट्टी के अंदर डाल दो, इस वो तरह। विष रोज हमको पढ़ना है उस विष हाँ को। पढ़नी है, जब ही उसका इफेक्ट है, अदरवाइज तो एक बार डाल के हम भूल गए, हमें ही नहीं पता हमें लिखा क्या क्या करना है, क्योंकि और हम लोग तो सुबह मैनिफेस्ट करते हैं, वो जो विष है और ये जो इसमें लिखा है विष, हाँ वो सेम होता है। सेम हो सकती है, क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन वही है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। एक मैंने आज ही का टारगेट बनाया कि मुझे आज के दिन में क्या करना, उसको तो क्या है मॉर्निंग में कर लेते हैं उठते वक्त। जो हमारी लॉन्ग टर्म है उसको हम पर्ची बना के अपने मंदिर जी में कर सकते हैं ऐसे। और आपने तो फ्रूट्स का बोला, रोज एक फ्रूट्स का त्याग करना है। अगर हाँ मैंने ऐसा सोचा कि कल मैं तरबूज नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ तरबूज लाने ही वाले नहीं हूँ, खाने ही वाले नहीं, फिर वो कैसे त्याग हुआ? तो नहीं, आपने मन में धार लिया ना, हाँ आपने मन में कर लिया, चाहे लाओ ना लाओ एक अलग चैप्टर है, हाँ आपने मन के अंदर कर लिया, तो आप देखना आपकी उसकी साइड अट्रैक्शन बढ़ेगी कि आज आना चाहिए लाना चाहिए। लेकिन जब आपकी कंट्रोलिंग पावर आनी शुरू हो जाएगी तो आपका मन अपने आप कहेगा आज त्याग है, आप मुझे खाना नहीं है, चाहे आपके सामने रखा होगा, जब भी आपने करेंगे त्याग त्याग होता है, क्योंकि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया। और रोज शाम को मैं थोड़ा हवन करना चाहती हूँ, तो वो कैसे करें? मतलब घर में ही थोड़ा ऐसे थोड़ा शाम को हवन करना चाहते, सुबह करो, शाम को हवन किसी ने सनसेट के बताया वक्त, है क्या है तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं, सनसेट के वक्त, है सनसेट होता है तब उस समय नहीं, हवन का मतलब हो गया आप अग्नि जलाएंगे, ऐसा घर में छोटा सा ऐसे थोड़ा ही कपूर वपूर डाल के, सिर्फ ये सब सुबह होता है, दिन छिपने के बाद नहीं होता, सुबह मॉर्निंग में होता है ये, 12 बजे से पहले, होता दोपहर में 12 बजे से पहले अग्नि है जो भी ठीक काम है। हाँ ठीक है, नीलम जी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यदि हमें किसी की बैड हैबिट छुड़ानी है, तो वो हम इन शुभ दिनों में मैनिफेस्ट कर लें, लिख के अपने कलश के नीचे रख लें, बिल्कुल, और कैसे फोन लिखेंगे कि उसने करो, ये छोड़ साथ दिया है? में उनको ये विश बोलकर पानी भी पिलाओ, यदि अपने फैमिली का मेंबर है हमारे पास ही है तो, उससे कुछ नहीं कहना, उससे कोई बात ही अच्छा, नहीं करनी, सिर्फ उसको पानी पिलाओ बस। और हमें लिखना ऐसे है कि उसने ये छोड़ दिया है, मान लो ये कोई छोड़ ड्रिंक दिए, करता है, ये छोड़ दिए, हाँ ये छोड़ दिया उसने, मान लो कोई और शराब उस पीता है, कि भी जी आपका मतलब कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर, के मेरे इस फैमिली मेंबर ने शराब पीनी बिल्कुल छोड़ दी है, अब हम सब बहुत खुश हैं, माहौल घर का बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक। और उसको फिर ये रोज पढ़ना भी हमें, हाँ आपको पढ़ना है, पढ़ते वक्त वो पानी आपके पास होना चाहिए और वही पानी उसको पिलाओ। और सर जब तक ये जैसे मान लो किसी की आदत है छूटनी, तो बहुत मुश्किल काम है जो आता है, नहीं ऐसा बट नहीं जब है, तक नहीं छोड़ता नहीं तब तक नहीं हमें ये ऐसा करते नहीं, रहना है। नहीं पहली बात तो ऐसा नहीं है, देखो जी जिस दिन मेरे मन में आ गया, मतलब हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने एक बार सोच लिया ना कि ये गलत है आज से मैं छोड़ दूं, वो छोड़ सकता है। हाँ ये कि बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, मान लो शराब पी रहे हैं, बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, उसको टाइम लग जाए, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कभी कुछ कर नहीं सकता, कर सकता सर, मेरे लेकिन नॉन में ये है ना, एक जिनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बताना चाह रही थी ये चीज, बिल्कुल आप तो बता सकते हो। और इनसे क्या है ना, उनकी ऐसा पानी पीने से क्या होगा, अंदर की जो इच्छा शक्ति ना उस पर्टिकुलर आइटम से वो कम होनी शुरू हो जाए, इन चीज से ठीक ये है, उससे कम हो जाए, तो इसको लगातार करते रहे, वो लगातार करते रहो। डेली पढ़ना है और डेली पानी पिलाना है। हाँ और पर्टिकुलर किसकी क्या ड्रिंक की प्रॉब्लम है क्या, जी उसमें आप एक काम और भी कर सकते हो, पतंजलि जो है उसका ना क्या नाम है, गाय का मूत्र आता है,
पतंजलि के अंदर, उसको जी लोग एज ए मेडिसिन पीते हैं, ठीक है, तो बाजार से लेके आओ, उसको लाके यही मंत्रों का उच्चारण करो और मैनिफेस्टेशन करो, और वो करके उसकी बोतल के अंदर मिला दो। ये तो है नहीं कि पूरी बोतल एकदम ही पी लेगा, घर में रखी है तो धीरे धीरे पिएगा, तो जब भी नहीं, मौका लगे उस घर में बोतल ना के भी अंदर मिक्स उसकी कर दो। कोई बाहर पी रहा है तो फिर क्या करें उसका। नहीं, बात पी रहा बात अलग है, उसको हम कुछ फिर अच्छा तो हम ठीक पानी से करेंगे। यदि वो घर में भी लेके आ रहा है और आपको मौका मिल रहा है तो उसकी ठीक बोतल के अंदर मिक्स कर दो। अच्छा और एक घर की डायरेक्शन होती है, उसे कहते हैं, डायरेक्शन का नाम है साउथ साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह, वहां पे उस बोतल को रखो, अपने कमरे के अंदर निकालो, कौन सी जगह है वहीं पर उसको रखो, उस सामान को रखो, तो आप देखना बहुत जल्दी उसकी आदत छूट जाए। ठीक है, थैंक यू सर। हम ओके जी, प्रिंसी जी, अंकल जैसे आपने बताया कि किसी की बैड हैबिट छुड़ाना है वो पानी के जरिए, लेकिन अगर कोई दूर है तो वो कैसे करेंगे फिर? यदि दूर है तो आप अपनी एनर्जी के माध्यम से भी कर सकते, डिपेंड करता पहली बात तो वो है कौन, आप अपनी एनर्जी कितनी जल्दी भेज सकते हो। यदि आपका कोई अपना है, अपने से मतलब यदि बेटा है, मतलब अपना बच्चा है, तो क्या है, अटैचमेंट कब से शुरू हुई, जब वो हमारे गर्भ में आया तो उसकी वहां से अटैचमेंट तो बहुत जल्दी कैप्चर करता है वो, आप जो भी बोलते हैं ना वो बहुत जल्दी खींचता है। यदि कोई अपने परिवार से रिलेटेड है तो कोशिश करो उनकी माँ से कराओ ये काम, तो बहुत नहीं, जल्दी जैसे पकड़ लेंगे। हस्बैंड है तो हस्बैंड है तो क्या करो, अपनी भावनाओं को भेजना शुरू कर दो, एनर्जी को, उसमें क्या करो आप, जैसे उनकी फोटो ले लो यहाँ पे, ठीक है ना, अपने जो लेडीज का क्या है लेफ्ट हैंड, जो बड़ा शुभ माना जाता है, लेफ्ट हैंड के ऊपर उनकी फोटो को, फोटो के पीछे उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ठीक है, फोटो रख के और उनके ऊपर राइट हैंड रख के, और वो अपना मंत्र बोलना शुरू, जो वो ब्रांड पीते हो, क्योंकि हर बंदे का एक फिक्स होता है कि यही पिएगा दूसरी नहीं, वही बोतल लाके जो मैंने डायरेक्शन बताया साउथ साउथ वेस्ट में रख दो अपने घर की, और ये विजुलाइज करो कि ये अब ये नहीं पी रहे, अब ये नहीं पी रही है, गंदी है, बिल्कुल गंदी है, बिल्कुल गंदी, तो उस हिसाब से हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत आराम से, तो इन चीज का एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक, सुलभा जी, हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर मैं जानना चाहती हूँ ये नवरात्रि में आपने जो कैम्फर ऑयल का जो दिया का बोले थे ना खरीदने के लिए डिजोल्व बिल्कुल करके, वो यूज कर सकते हैं कर सकते हैं, सुबह शाम? हाँ, वैसे तो देखो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ओके एक या दो दिन में वो फिल्टर हो जाएगी, क्योंकि यदि आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं सुबह और शाम कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपको एक या दो दिन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एनर्जी अपना भी फिल्टर हो जाएगी। यदि घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो आप ये कंटिन्यूशन में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा है सर जी, मेरे घर में ना तुलसी का पौधा टिकता नहीं है। तुलसी नहीं। ओके okay. का पौधा मैं कितने बार खरीद के लाती हूँ, लोगों भी देते हैं जिनका होता है, वो 2-4 महीने में सूख ही जाता है। उसका जो मतलब जिससे होना चाहिए जो बीज है उससे तो छोटा छोटा निकलता है सावन में, लेकिन टिकता ही नहीं है। उसमें मैंने आप अपने कोई अपने घर में सब साइड में रख के देख लिया, उसमें धूप ना तो एक उसको अच्छा एक तो नॉर्थ की लगता साइड में रखो, नॉर्थ ईस्ट में रखो, है। हाँ अब नॉर्थ ईस्ट क्या है सर, मेरा नॉर्थ पूरा ब्लॉक है, मतलब कोई खिड़की वर्की नहीं है, तो तुलसी ओके पौधे का तो खिड़की चाहिए कम से कम, मतलब एक धूप तो चाहिए ना। तो हाँ, मैं ईस्ट में रखती हूँ, मेरा ईस्ट में बालकनी है, इस लेकिन पे कर लो, कोई दिक्कत वहां नहीं है। पे चूहा आके कभी कभी खा जाता है। चूहा तुलसी का पेड़ खाता है मुझे पहली बार पता चला, क्योंकि तुलसी तो सबके आंगन में ही रहता है, वहां पे तो चूहा नहीं, नहीं खाता। आंगन आंगन में रहना, एक्चुअली जो हम देखते थे ना फ्रंट में रहते थे फिल्मों में, देखते हैं आंगन के अंदर तुलसी लगी होती है तो काफी ऊंची होती है, स्टैंड बना होता है वहां तक, तो चूहा हाँ पहुंच नहीं वो सकता। तो गांव में जैसा होता था हाँ, वो कोई ऊंचा करके रखते हैं, बात नहीं, फिर तो आप एक लेकिन पुण्य ये का काम भी कर रहे हैं कि जो है
चूहे का पेट भर रहा है, ये शुभ है अशुभ नहीं है। अब मेरे यहाँ गणपति के वाहन की बहुत कृपा है, मेरे हाँ, सारे खेर खा मैं वही जाते तो कह रहा हैं। हूँ, शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस चीज को कभी भी वहम में नहीं लेना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख रहा है, कोई कहते हैं ना फल नीरा सूख रहा है, तो ये मान के चलो आपके घर की नेगेटिविटी भी खत्म कर रहा है। लेकिन हर नमस्ते बार नमस्ते। मतलब कितने ऐसे इतने नेगेटिविटी आती खाती है, वो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि देखो, हर आज महीने में सूख जाता है। आज के समय में नेगेटिविटी बहुत जगह से आती है, बहुत जल्दी आती है। इसलिए मैं सर वो दिया ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, 2-3 दिन में आ जाएगी, शायद कल भी आ सकता है, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं उसको स्टार्ट कर कर सकते सकती हो, हूँ। और वो मंगा लो, क्या नाम है, कौन सा, भीम सैनी कपूर, वो ला के रख लो पहले। भीम भीमसरी कपूर, अच्छा वो दाना सैनी दाना कपूर, वाला कपूर नहीं नहीं होगा, नहीं 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 ये अलग से आता है, ये अच्छा जैसे बर्फी होती है ना, मतलब हाँ जैसे मतलब रोटी बनाई उसके कई टुकड़े कर लिए अलग अलग शेप से, अच्छा उस टाइप में होता है, मतलब कोई टिकिया वगैरह का नहीं होगा, फिक्स कुछ नहीं होता। आप अच्छा मार्केट में भीम सैनी कपूर दे दो तो दे छोड़ दो। दो, ओके छोड़ दो, थोड़ा सा तो छोड़ो, थोड़ा सा और सर अभी तो छोड़ो। पतंजलि का बहुत कुछ केस चल रहा है, आप पतंजलि बोल रहे हो लाने के लिए। नहीं उससे क्या फर्क पड़ना है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो तो चलते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि जो गौमूत्र मिलता है वो ऑथेंटिक तो देते हैं या ना देते हैं क्या पता, देखो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी और का मिलता वो ले लो, हमें तो मतलब मेन गौमूत्र से मतलब है। वो वैसे तो कई जगह से हाँ फिल्टर होता है, क्या है क्या नहीं है वो तो, वो जाने बाबा जी क्या कर रहे हैं ये। पेपर पे फ्रंट पेज भी आ रहा है, दोनों हाँ, ने तो माफी काफी भी आ रहा है मांगी है। इस समय आ रहा है। चलिए कोई नहीं, ओके ठीक है जी, सर, थैंक ओके जी। यू। निर्मल जी, सर मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा फेथ है स्वर विज्ञान में, वैसे मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड में भी ये फेथ डेवलप हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या वो फेथ नहीं करते? नहीं वो ऐसे मतलब जैसे मैं ब्लाइंड फेथ करती हूँ, वो ब्लाइंड फेथ नहीं करते, नहीं मैं बोलती हूँ। देखो, मैं तो एक तो चीज, मैं आपसे एक कहना और चीज कहना चाहूंगा, ये मेरा भी क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर जी, आप जो नियम बता रहे हैं ना वो, उसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये मैं बिल्कुल पूजा, हम लोग बंगाली फैमिली है ना, ये नवरात्रि हम लोग उतने हिसाब से सारा नवरात्रि के जैसे नहीं मनाते, तो वो करना के लिए मुझे सपोर्ट भी फैमिली से चाहिए। तो वो बिल्कुल क्या सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के ये कुछ भी चीज नहीं है, होती, घर में जेंट्स अगर कोई करता है उसको सपोर्ट मिल ही जाता है, मिल जाता है। लेकिन लेडीज करना चाहे तो बहुत दिक्कत होता है अगर वो उसको कोई कोई बात सपोर्ट ना नहीं, करता हो। अब आप एक चीज, मना अब आप नहीं करती नहीं, कोई बात नहीं, जी, अब आप ना एक चीज समझे, पहली बात तो ब्लाइंड फेथ कभी भी नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, सर नंबर मेरा गॉड के ऊपर ब्लाइंड फेथ है इसके ऊपर ना पे ब्लाइंड फेथ है, उसमें नहीं, कोई नहीं नहीं गॉड की बात अलग है, गॉड की बात अलग है, मेन बात है जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक हाँ जी है ना। जैसे मैं ही कहता हूँ, मैं स्वर विज्ञान है, अब मैं कहता हूँ स्वर विज्ञान में ये भी हो गया ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ऐसा नहीं कि सामने वाले को आके ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, नहीं मैं कहूंगा नहीं करना चाहिए, पहले उसको आजमाओ, अपनी बॉडी के ऊपर यूज करो, उसका इफेक्ट देखो, तो क्या है जो आपको फेथ जब होगा ना, वो ब्लाइंड फेथ निकलेगा, आप कहेंगे नहीं इसका इफेक्ट है। तो स्वर विज्ञान एक ऐसी चीज है, इसको तो आप उनसे इम्प्लीमेंट कराओ। इम्प्लीमेंट कैसे कराना है, जैसे कैसे सोना है, मान लो कभी कभार हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लेट गए तो बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, तो आपने कहा नहीं जी आप ना एक काम करो डायरेक्शन चेंज करो, है ना, जैसे भी राइट हैंड लेट गई तो उनको लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड लेट जाओ, यदि लेफ्ट हैंड लेटेंगे तो 5 मिनट में इफेक्ट आना ही आना है, ये साइंस है, प्योरली साइंस है। हाँ वो साइंस करके बोलती हूँ, तो वो लेफ्ट हैंड से ही सोते हैं हाँ, तो इसका मतलब इफेक्ट है ना, लेकिन वो स्वर विज्ञान इसको नाम दिया गया है। भाई हम जो सांसें ले रहे हैं, ये जितना भी विज्ञान है ना, ये प्योरली साइंस के ऊपर है, कुछ लोग नहीं मानते, तो भैया आप साइंस को कैसे इग्नोर कर सकते हो, साइंस है, जो मैग्नेट्स बनता है वो तो बनता ही है, तो
तो उनके हिसाब से आपको इनको समझाना पड़ेगा। मान लो कभी सिर में दर्द हो रहा हो, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमारे साथ घटती हैं। मान लो सिर में दर्द हो रहा हो, तो सिर में दर्द हो रहा है तो बोलो भी सिर में दर्द हो रहा है, तो आप अपना स्वर देखो कौन सा चल रहा है, इसको चेंज करो। चेंज करते ही विद इन 5 मिनट सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो हम कराते रहते हैं और इमीडिएट इफेक्ट आता है ना। खाने का हो गया, ऐसे ही सोने का हो गया। फिर क्या होता है, आप ये देखते हैं कि मान लो कोई भी काम है, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने में, और मैं अपने आप को प्रेशर डालता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, नहीं मैं कर सकता हूं, मैं नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो क्या हो रहा है कि जैसे हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप हम जब चलाते हैं पानी नहीं आ रहा तो बार बार पंप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते हैं, जिससे वो एयर के थ्रू पानी धीरे 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 आएगा और एक बार निकल जाएगा। ऐसी ही हमारे अंदर भी एनर्जी बूस्ट होती है। हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, और हम बार बार प्रेशर कर रहे हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो क्या हमने पंपिंग कर दी, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो आप काम बहुत इजिली कर पा। तो इट मीन्स हुआ क्या, मैं भी वही हूं, सब कुछ वही था, इन वर्डों ने क्या कर दिया ऐसा, यानी कि इन वर्डों ने हमारे सिर्फ माइंड को एक्टिवेट कर दिया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, जब हम वीडियो सुनते हैं ना, किसी दूसरे की वीडियो सुनेंगे, और दूसरा मैंने ये चीज पे देखा, आप यदि अपने हस्बैंड को कुछ कहोगे हो सकता है ना माने, कोई थर्ड पर्सन यही चीज आगे कह देगा, वो मान जाएंगे। एक फैमिली इसके अंदर एक कॉमन ये नेचर होती है, सभी की होती है इसके। तो ये क्या होता है, हम वीडियो सुनते हैं, बार बार देखते हैं, एक बार मन में आता है चल यार एक बार चेंज करके देख लो, जब सामने वाला कह ही रहा है तो करेगा, तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि हम कोई किया था सर अंधविश्वास उन्होंने? में काम नहीं कर रहे। नहीं नहीं शुरू शुरू में तो किया था उन्होंने, बट अब मैं भी बोलते हैं थक जाता हूँ यार मैं ये सब सोच के अब वो एक खाना बात, ऐसे खाना है, बाहर ऐसे निकलना है, तो इतना टोका नहीं टोकी। उसमें पता क्या करो, बाहर फिर तो वो लंबा उनके लिए होता है, उनसे कहो अच्छा अपना सुगुन में काम करना शुरू कर दो, बस खाली स्वर मत चेक करो, सुगुन में काम करना शुरू कर दो। सुगुन तो पता है आपको नहीं सुगुन में तो तभी करेंगे, चेक करके ही करेंगे ना सर। ना, मैं कह रहा हूं उनका मन नहीं कर रहा ना, वो चेक कर सकते, कुछ नहीं कर सकते वो, तो उनसे कहो कि कोई बात नहीं आप सुगुन में काम करना शुरू। सुगुन क्लियर है बिना आपको सुगुन में कैसे करेंगे सर? भाई, जैसे मैं हूं, मुझे घर से बाहर जाना है, जी मेरा मन नहीं कर रहा मैं स्वर चेक करूं, ठीक है, या मुझे पता नहीं कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं गेट से बाहर जाऊंगा मैं इनहेल करूंगा और कदम बाहर रखूंगा और स्टार्ट, अच्छा कोई भी कदम रख लो बाहर। कोई भी कदम रख लो ओके लेकिन ठीक सुगुन में करूं, कि ठीक हमने अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को फिलअप कर दिया। जैसे हम ऑफिस में एंट्री करी तो सुगुन में कर ली। बहुत बार हमारे साथ भी होता है, कोई ऐसा काम होता है मेरे सामने होता है कि हमें टाइम ही नहीं होता, मान लो एंटी चल रहा है, मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं उसको चेंज कर सकूं, तो हम क्या करते हैं इमीजिएट उसको सुगुन में ले आते। तो सुगुन में क्या होगा, हम ये मान के चलते हैं कि मेरे जो पार्ट्स हैं एनर्जी इक्वल हो गई और मैंने काम करना शुरू किया, तो ये भी आदत उनके अंदर पड़ गई, तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते। एक टाइम जरूर आएगा, वो चेक जरूर करेंगे, यार अब तो चेक कर ही ले, चल खाली बैठा है कर ले। वो करते हैं सब कभी 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 करते मैं हैं ना, देखती तो उसमें उनको कहो सुगुन में करना शुरू कर दो, उसी के हूँ अंदर इफेक्ट आ भैया जाएगा सुगुन से। भैया सगुन क्या होता है? ओके सर थैंक यू भैया ओके जी, निधि जी, जी सगुन क्या? सुगुन किसे कहते हैं, सुगुन हाँ जी में क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, सुगुन का मतलब है बोल गुणों से भरा हुआ, यानी कि हम इनहेल करें, रहे सांसों को भरें कंपनी और सांसों को भरने के बाद जो भी काम करना वो कर लें और सांसे को छोड़ दें, उसे कहते हैं सुगुन परिस्थिति में काम को करना। यानी कि मुझे यदि घर से बाहर जाना है तो मैंने सांसें ली, इनहेल किया, सांसों को रोका और बाहर कदम रखा और सांसों को छोड़ दिया, ठीक है थैंक ठीक है जी। यू थैंक ओके जी, यू। हाँ जी निधि जी, सर एंजल मैं आ लेडी, जाऊँ सर? नमस्ते सर जी। आज आज का सर मेरा सेशन मिस हो गया जो आपने ओके बताया, मेरा
छूट गया क्या? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर आज के सेशन मिलेगी की? आज की, मिल जाएगी, कल तक पहुंच जाएगी आपके पास। और सर आपने जो ये बताया शगुन वाली बात, तो मैंने तो आपका वो पेड वाला भी आपका हाँ ज्वाइन किया था क्लास, तो हाँ शगुन का ये है कि अगर जो हम स्वर चेक करके जब हम इनहेल करके और थोड़ा रोक के और फिर इसके बाद जब हम मतलब स्टेप बाहर निकालते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, तो नहीं उसमें और इसमें सेम मतलब इफेक्ट देगा, थोड़ा वो ज्यादा अच्छा होगा जो मतलब प्रोसेस पूरी होगी जब यदि जल रहा है? आप सुगुन में भी कर रहे हो और एक्टिव स्वर में भी कर रहे हो, उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे। ये ओके ओके। नहीं उन मैं तो व्यक्तियों के मानती हूँ, लिए हैं जिनको मैं जी नॉलेज नहीं है, कुछ जी नहीं जी कर सर पा रहे हैं, ना से तो अच्छा है ना, कुछ तो पॉजिटिव हो। हाँ, तो ये चीज मैंने भी इसलिए पूछी कि हाँ यही जैसे इन्होंने पूछा ना मैम ने कि जो नहीं मानते उनको तो यही वाला बताना अच्छा है, जैसे वो मेरे हाँ, साथ कम से किया, कम मैं शुरुआत मानती हूँ तो हो और ना, हाँ। शुरुआत तो हो ना किसी भी ना, शुरुआत यदि अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ मैं कि चलिए आप कहिए, मैं तो आपका रह गया, बताइए, कुछ बताए बता रहे थे आप बताए। बताइए। हाँ मैं ये कह रही थी कि आप नवरात्रि में जो है किस तरीके से करते हो पूजा वगैरह या जो भी कुछ करते हो, आप कैसे करते हो? मैं कैसे करता हूं? हाँ आप शेयर करिए वो। मैं देखिए, मैं जो करता हूं ना, मैं तो अपने मंदिर के अंदर अपने जो ईष्ट की पूजा करता हूं, मैं वो करता अच्छा मतलब आप ये जैन धर्म से हूं। हो तो मैं आप एज ए जैन धर्म के हिसाब से मेरी, देखिए मैं बताता हूँ, हमारी जो होती है ना फिक्स 3 से 4 जाप क्लियर होती है। ओके नंबर वन, अच्छा अपने ओके ईष्ट की, इसका मतलब होता है जो भी हमारे घर के पास मंदिर है उसके अंदर जो मूल नायक भगवान है, हमारे जैसे जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, तो हर मंदिर के अंदर एक मूल नायक भगवान की प्रतिमा होती है। जैसे मेरे यहाँ ओके भगवान चंदा प्रभु की है, जिन्हें आप मानते हो मतलब ज्यादा हाँ मैं जिन्हें मानता हूँ, तो सबसे पहली मेरी जाप होती है भगवान चंदा प्रभु। उसके बाद होती है मेरे गुरु की, ओके सर जिनको मैंने धर्म गुरु जो है, जो मेरे धर्म गुरु हैं, मैं उनकी जाप करता हूँ। उसके बाद आती है मेरी नवकार मंत्र की, जिसके अंदर ओके सारी सृष्टि है कलर को देखते हुए, जो मैंने आपको भी बताई थी कि 5 कलर से जो होता है उनसे जाप करें, क्योंकि नवकार मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं है या किसी उसका, तो कोई भी कर सकता है, XYZ ओके इस संसार में कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनमें सबको नमन किया गया, तो उनकी करनी है। उसके साथ में माँ सरस्वती की, क्योंकि मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन है एजुकेशन, ज्ञान ज्ञान देना का देना मतलब और ज्ञान लेना, देना नहीं मैं तो लेने के लिए बैठा हूं, मैं आपसे ले ही रहा हूं, हाँ तो ज्ञान मैं देना और सरस्वती की भी लेना। जाप करता हूँ कि मुझे ज्ञान मिलता रहे, मिलेगा तो दे पाऊंगा ना, शेयर कर पाऊंगा जी सर ना। उसके बाद आता है हमारी महाकैवल्य लक्ष्मी की। अब ओके यहाँ पे लक्ष्मी दो है, लक्ष्मी एक पैसे वाली लक्ष्मी, एक महाकैवल्य लक्ष्मी, क्योंकि सभी का जो एम है वो मोक्ष में जाना है, तो मैं उनकी जाप करता हूँ। तो ऐसी ये रूटीन बना हुआ है, तो उन्हीं की जाप करते हैं, कोई त्योहार आते हैं तो उनमें फिर बढ़ जाते हैं। अच्छा आप क्या ये नौ दुर्गे में ये वाला माता रानी की पूजा नहीं होती है ना, दुर्गे नहीं माँ की हमारे ये जो, हमारे वो ही लेकिन पूछ रही थी मैं, जैसे हमारे यहाँ ये कलश स्थापना वगैरह भी होती है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं, तो मैंने सोचा शायद आप इस बारे में पूछना चाह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज करनी चाहिए, जो आप धर्म मानते हो उनमें जो सिस्टम है वो करना चाहिए। मैंने आपको बेसिक बताया, इसलिए तो क्या कहते हैं, ये वाला करो ये ना करो ऐसा कुछ नहीं होता। आप यदि स्वर को जानते हो और जो आप क्रियाएं कर रहे हैं वही क्रिया करो, लेकिन स्वर का यूज करके करो, तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स मल्टीपल हो जाएंगे। जी सर ठीक है, ओके जी, रिकॉर्डिंग तो दे देंगे ना सर अभी? हाँ ठीक जी हाँ जी, मिल जाएगी मिल जाएगी। है थैंक यू सर। ओके, नीतू अग्रवाल जी, सर जी नमस्ते सर नमस्कार जी। जी, ये पूछना था जैसे कि जिसको डिप्रेशन रहता है या मतलब पूरे टाइम लो फील करता है, तो उसके लिए कौन से स्वर एक्टिवेट करना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन का मतलब समझो पहले। डिप्रेशन का मतलब है ये जो रोग है, ये जो प्रॉब्लम है हमारी माइंड की प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम नहीं है, माइंड की प्रॉब्लम। माइंड क्या कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे लायक कुछ भी काम नहीं है, ये सब बेकार है, दुनिया बेकार है ना, उसके लिए हर बार डाउन 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 जा। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करो, सबसे पहले तो उनका सूर्य स्वर चलाओ। अच्छा
और सूर्य स्वर चलाने के बाद उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो छोटी छोटी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 मतलब स्पीड बढ़ानी शुरू करो, कि सही उनको ऐसा प्रेशर, जैसे पंप वाला मैंने आपके कहा कि पंप करे जाओगे तो एयर भरती जा रही है ना उसके अंदर, ऐसी उनको पंपिंग करनी है, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक गेम खेलने बैठे, जैसे ताश के पत्ते लिए, तो क्या हम एक चट्टान बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो क्या करो आपको यार ये तो बन ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, जरा आप बनाना, तो क्या करें एक के ऊपर एक पत्ता रखेगा, फिर दूसरा, फिर पर ये आप तो कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती थी, तो उनको ऐसा लगेगा यार मैं कर सकता हूँ ना ये चीज, समझो। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देके उनको पंपिंग करना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि ये जो भी काम है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और उनके सामने ऐसी पिक्चर्स या कोई भी दिखाओ जिनके अंदर ऐसे काम किए गए हों, पहाड़ पे चढ़ना, जंपिंग करना, कि उनको ऐसा लगे कि कर सकते हैं हम काम कर सकते हैं, उनको विश्वास दिलाने वाली बात है। और ये सारा काम सूर्य स्वर में कर, सूर्य स्वर ज्यादा से ज्यादा चलाओ, और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में भी सिर्फ यही एक्सरसाइज आती है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि भाई आप एक काम करो और उनसे कराओ, खाली नहीं। यहाँ पर एक चीज और है, बड़ा एंटी है ये चीज, कि उनको भगवान की पूजा पाठ में मत लगाओ, क्योंकि पूजा पाठ में क्या है, हम एकदम डाउन हो जाते हैं, एकदम अंदर आ जाते हैं, वहां से हटाने उनको, उनको वहां पे एनर्जी देनी, तो वो उससे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो सूर्य सौर एक्टिव करने के लिए क्या करें? सूर्य स्वर एक्टिव करने के पहले तो नोस्टिल चेक करो उनकी, कि राइट चल रहा है, चल रहा, यदि राइट न चल रहा है तो उनको लेफ्ट हैंड साइड लिटा दो 3 मिनट के लिए, या लेफ्ट हैंड साइड में बोतल उनको रख दो, जैसे मान लो आपकी ये वाली बोतल है गोल, कोई भी बोतल, पानी की बोतल कोई भी हो, उनकी आर्मपिट में ऐसे दबा दो 3 मिनट, विद इन 3 मिनट स्वर चेंज हो जाएगा। ठीक खाने है के बाद सर। पानी मत पिलाओ। सर कभी कभी तो दोनों सिचुएशन नहीं रहता है, जैसे मेरा ये प्रैक्टिस करने से सूर्य सर ज्यादा एक्टिव हो गया है, अब चंद्र सर लाने के लिए मुझे तकलीफ हो रहा है। वो तकलीफ हो रहा है तो आपको मॉर्निंग में आपको स्वर साधना करनी चाहिए इक्वल करने के लिए, नहीं वो लेफ्ट तो टू कर रहा राइट, है, लेकिन राइट टू मेरा लेफ्ट। सूर्य सर ज्यादा एक्टिव हो गया है, कोई बात नहीं, आप गुस्सा भी उसको आ रहा है इसलिए। बैलेंस करो, कोई बात नहीं, उसको बैलेंस करो, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, उसकी प्रैक्टिस करते हो आप? जी सर कितनी वही देर वही करते ज्यादा हो? करती हूँ। कितनी देर करते हो? ईमानदारी से सही सही बताना। चलो अर्चना पाटिल सर आपका, मैंने हाँ बताए। आप मैसेज किया था कि मेरा पूरा दिन एक ही चलता है, और दूसरे दिन फिर जैसे आज चंद्र चला पूरा दिन, फिर कल सूर्य, फिर परसों के दिन वापस चंद्र, तो ये नॉर्मल है, ऐसा ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, अभी बॉडी को इक्वल होने में समय लग रहा है, आपके स्टार्टिंग है ये, ऐसा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब दिक्कत कब होती कि आपका लगातार 3 दिन एक स्वर चलता, यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टार्टिंग सिम्टम है। जब आप सुबह बैलेंस कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका बॉडी इसके हिसाब से कंपेटेबल बन जाएगा भाई, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना, ठीक ठीक है जी। अर्चना जैन जी, गुरु जी, जैसे आपने बताया सगुन में जाना है, घर से बाहर, घर में एंटर करते समय कैसे आना वही सुगुन में, सुगुन है? अच्छा सगुन में ही आना है। में मतलब हमें अपने आप को हर वक्त एनर्जेटिक रखना है। जी, और बिल्डिंग में जैसे एक मेन गेट है घर का और दूसरा बिल्डिंग का गेट है, दोनों में इसी तरह से जाना है और इसी तरह आना है? इसी ठीक तरह है एक जी। काम और भी कर सकते हो, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हाँ जी ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये एनर्जी का रूप है, ठीक है, तो कोशिश करो जब भी आपके घर के मेंबर मतलब आपके हस्बैंड हैं बड़े कोई भी घर में एंट्री हो तो बच्चों से गेट खुलवाना शुरू करो, फिर उसके बाद इफेक्ट देखना, उनके चेहरे की रौनक जो होगी ना,
देखो व्यक्ति जब शाम को आता है नेचुरली थका हुआ होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन होती है ना, तो उसी टाइम यदि आपका घर का छोटा बच्चा गेट खोलता है तो गेट खोलते क्या होगा कि वो अपनी थकान भूल जाते हैं, बच्चे में लग जाते हैं, एकदम उनके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है ना, वही चीज लानी होती है। दूसरा क्या होता है, एक चीज और यहाँ पर विशेष ध्यान देनी है जो हम नॉर्मली कई जगह देखते हैं, वो तो क्या होते हैं कि लेडीज क्या करती हैं कि जैसे घर में आई, घर में बात होती है कुछ भी होगी तो आते ही साथ उनको बताना शुरू कर दी कि उनको पानी तो नहीं पिलाया लेकिन कोई ना कोई बात बता दी, या कोई डिमांड है वो रख दी, या कोई खर्चे की बात बता दी, या बिल्कुल नहीं, जब तक वो खाना ना खा ले उनसे ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी कम से कम एनर्जी तो आने दो भाई, डाउन हुई है उसको अप करो, अप करने के बाद अपनी बात रखोगे क्या होगा, वो स्मूथ होके बात का सोल्यूशन निकलेगा। यदि उनकी डाउन है और आपने लेके अपने क्वेश्चंस भी पुट कर दिए उनसे और डाउन होगी तो क्या होगा, उनका जो है विचार जो चेंज हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लड़ाई नहीं होती है तो भी लड़ाई होगी। जी हाँ ये चीज। धन्यवाद। एक आपको एक वाक्यांश सुनाता हूँ, ये महाराज जी के पास हुई, एक लेडी ने ये बताया कि मेरे जब भी हस्बैंड घर में आते हैं हमारे घर में लड़ाई जरूर होती है, तो महाराज जी ने क्या चीज बताई, एक काम करा जैसे ही तेरे घर में तेरे हस्बैंड एंट्री करें तो ये मैं तुझे लौंग दे रहा हूं पढ़ के, और ये लौंग ऐसे ही करे अपने दांत के अंदर दबा लेना है और छोड़ना नहीं है, छूटनी नहीं, और ठीक है महाराज जी ऐसे ही करो, तो जैसे ही डेली रूटीन में वो एंटर करे और वो लौंग लेके अपने दांत के नीचे दबा ले, तो 6 दिन के बाद वो महाराज जी के पास, महाराज जी तो कमाल हो गया मेरे घर में तो लड़ाई खत्म हो गई। तो फिर महाराज जी ने कहा बता कैसे हुआ, अनुग जी लौंग के कारण हुआ, अनुग लौंग के कारण नहीं हुआ, ये हुआ कि तू बोली ही नहीं, तू बोलेगी तो लड़ाई होगी ना, तू तेरे लौंग दबाई तेरा मुंह बंद, जब तू बोलेगी नहीं तो लड़ाई नहीं हुई, तो बोलना बंद कर। तो ये एक्चुअल है, ये मैंने कई जगह देखी है चीज, जब बोलना शुरू करते ना बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, सामने वाला इतना इरिटेट हो जाता है कि अच्छे माहौल को ही बिगाड़। तो ये एक अच्छे गृहिणी के गुण होने चाहिए कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो पहले पहले माहौल को देखो क्या माहौल है, फिर अपनी बात रखो। जी धन्यवाद। ओके जी, आनंदी जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हो आप? बढ़िया, हाँ ठीक हूँ सर। बताएं। मैं तो इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, 2 बच्चों को संभालना, अभी घर बन रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने कुछ पॉजिटिव चीज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो एफर्मेशन देती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिलता है उतना प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड के साथ, जैसे सब लोगों ने इतना इस टाइम बोला ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह लड़ाई तो होती थी, मैं ऐसा बोलती हूँ तो दूसरा तरफ जाती, मैं घर बना रही हूँ और मुझे पैसा नहीं देना है क्योंकि मुझे नहीं बनाना है, तो ये सब चलते रहते। लेकिन एक हफ्ते से जैसे मैंने एफर्मेशन देते रहा, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा अच्छा बन रही है, मैं उसको माफ कर रही हूँ, रात रात को सोने के समय मैं उससे माफी मांग रही हूँ। अभी एक हफ्ते से देख लो सभी चीज अच्छे हो रही है। जैसे वो गाड़ी खरीदने के लिए गया और नेक्स्ट संडे डिलीवरी लेने के लिए बोला, तो मैंने देखो डिलीवरी तो संडे दिन अच्छा नहीं है, पहला वैसा ठीक है लेकिन तुम फ्राइडे ले लो, बोले अच्छा ठीक है मैं एक पेशेंट छोड़ के चले जाऊंगी। तो ऐसे करके हर चीज अभी इजी होने लगा। ये सर का कारण और एफर्मेशन का कारण। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमेशा ना खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं, ऊपर वाला जो कहते हैं ना सन, जो है सन तो अपनी गर्मी दे ही रहा है ना, अपनी रेस तो दे रहा है, उसमें कोई डिवाइड थोड़ी क्या है कि इसको देनी है इसको नहीं देनी, वो तो सबके लिए एक जैसी है, अब डिपेंड करता है हम क्या ले पा रहे हैं। कुछ लोग छतरी लेके खड़े हो जाते हैं, यदि छतरी ले ली अम्ब्रेला ले ली तो कैसे आएगी, कुछ लोग अम्ब्रेला नहीं लेते हैं, डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर कि हमें कितनी चाहिए कैसी चाहिए, उस हिसाब से हम ले रहे हैं। तो वही चीज है कि हम अपने माइंड को क्या चीज दे रहे हैं, आपने इसी चीज को पॉजिटिव में लेना शुरू कर दिया, जब पॉजिटिव लेने में शुरू हो गया तो आपको हर चीज पॉजिटिव नजर आ रही है, आएंगी तो हमारे मन को अच्छा लगेगा। ये भी तो कहते हैं कि पैसे के अंदर कभी भी सुख नहीं होता, कि हम 5 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दुखी है, हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं लेकिन हम सेटिस्फाई हैं तो बहुत सुखी हैं, तो पैसे में थोड़ी हुआ,
ये हमारी सोच के ऊपर है कि हम सोच क्या रहे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। सर जी जी अभी हाँ आपने ये बोला कि डिप्रेशन वालों को, मैम को आपने ये आंसर दिया कि डिप्रेशन वालों को उनसे बोलो कि पूजा से दूर रहें, तो डाउन कर, मतलब इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। इसका मतलब समझ नहीं आया, चलो समझाता हूँ। आनंद जी आप बोलिए। अभी मेरे हस्बैंड एक्सरसाइज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा रिलीजियसली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो प्राणायाम नहीं करता। कोई तो बात मैंने नहीं, उनको नहीं उनको बोला, देखो उनका रात को जब सोते बहुत खर्राटे लेते हैं, तो मैंने बोला तो आप तो 1-2 घंटा एक्सरसाइज कर, सिर्फ 5 मिनट आप प्राणायाम करो, देखो आपका इतना सब कुछ मेकअप हो जाएगा। बोला हाँ ठीक बोला, मुझे ये अभी करना चाहिए। अभी सब कुछ सुनने लग रहे हैं, ये चीज एक अच्छा है। छोटा सा और पॉजिटिव। ये जो स्वर साधना है खराटे वालों के लिए तो बहुत बढ़िया ही है। हाँ तो अभी जो सुन, इतना दिन तो सुनते नहीं है, अभी सुनना लगा। यह 1-2 हफ्ते से मैंने जो वाइब्रेशन दे रही हूँ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बता रही तो हूँ। इसका मतलब है कि अब आपसे पार्टी लेनी पड़ेगी हमें, है ना? मैं पार्टी ड्यू रही, अब आप सबको ना पूरे ग्रुप को पार्टी देंगे, ठीक है? हाँ सर जरूर सर, मेरे पर घर जब बन बिल्कुल जाएगा उसमें सबको इन्विटेशन रहेगा, आ बिल्कुल जाइए कलकत्ता में, अभी बिल्कुल रहने का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा घर बना, सभी को इन्वाइट कर रही हूँ सर, आपके माध्यम से ऐसा है, सभी काम लोगों का बड़े काम घर से है। कुछ नहीं होता, दिल बड़ा हमारे होता बारे है। की तो हाँ कोलकाता है, आमी चले आस्ते पड़ी। वो हाँ ना हाँ चले आस्ते अवश्य। आमी बागुइटी लोकनाथ मंदिरे का से था कि देखो प्लीज हाँ हिंदी बहुत में बोलो खूब है। आप क्या बोल रहे हो हाँ हमें सर तक। सुब्रत जी ने बोला मेरे घर आ सकते हैं, तो मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस दिया। मेरे ओके घर देखिए एयरपोर्ट का नजदीक है बागुइटी, और भी ऐसे हमेशा ना घर के हिसाब से नहीं होता, यदि दिल में जगह है, दिल बड़ा है तो कितने भी मेंबर है। तो आपने देखा ना पहले मकान में क्या होता था, अभी आप कह रहे हो कि दो बच्चों के साथ मैं लगी रहती हूँ लगी रहती हूँ, और पहले क्या होता था, सात सात बच्चे होते थे फिर भी मस्त रहते थे, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है भाई, इतना फर्क है। तो ये सब अच्छी। अब निधि जी जो पूछ रही हैं डिप्रेशन वालों के लिए, होता क्या है जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने मन और को शांत करते हैं, अपने तन को शांत करते हैं, बिल्कुल एक जगह लाके हम रोक देते हैं, ठीक है ना? डिप्रेशन वालों क्या है, उनका क्या है, डाउन जा रहा है इस समय, वो ये समझते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी है ही नहीं, मैं कुछ भी काम कर नहीं सकता। तो वहां पे एनर्जी लेवल को बूस्ट किया जाता है, कि उनको एक प्रेशर दिया जाता है, नहीं आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, भागो दौड़ो। उनको कहते हैं कि जितनी बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे, जितना उछलेंगे कूद लेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी उनके अंदर बढ़ेगी, तो वहां पे पोषण वो देनी होती है, इसलिए हम उनको एक जगह बिठा नहीं सकते। आप उछल कूद के तो पूजा कर नहीं सकते, है ना? तो आपको तो पूजा करनी है तो मेडिटेशन के लेवल पे आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मन शांत नहीं करना, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना। सर तो जिनको लोगों से तो फोबिया हम है, अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज सर करो, जिनको जिनको जैसे सर फोबिया है, तो वो भी फिर पूजा नहीं करें? नहीं क्यों नहीं, फोबिया अलग चीज होगी, वो चीज अलग होगी, ओके डिप्रेशन फोबिया इसलिए। अलग लग है, तो वो अच्छा जी, अच्छा जी चीज अलग है। फोबिया तो ये हो गया कि मान लो किसी को पानी का फोबिया है, तो जी पानी जी को सर देख जी के उसको डर लग रहा है ना, तो फोबिया भी मिटाया जाता है, ऐसा नहीं, वो तो हाँ हाँ डिपेंड करता है जैसा पेशेंट होता है उसको उसी। नहीं माइंड से रिलेटेड है ना, जैसे किसी को कोई अचानक कुछ ऐसे ही इंसिडेंट ना हो जाए, उससे वो भी आया, जैसे कि नियर एंड डियर के साथ कुछ वैसी वो न्यूज़ चीज ना मिले अलग होगी, हैं। वो चीज अच्छा अलग तो होगी, ये ये डिप्रेशन माइंड से के अलग रिलेटेड है, सेम नहीं है ये? ना, अच्छा ना ना वो चीज अलग होगी। ओके ओके सर चलो बहुत एक अच्छा लगा। क्वेश्चन हाँ जी है, बताएं सर निधि एक जी। क्वेश्चन है। जी 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 जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। ये करीबन 7-8 महीने से ना हमारे घर में चूहे आ गए थे। हाँ चूहे, ठीक जी, है ठीक मतलब एक दो तो घूस आ गई थी और छोटे छोटे आ गए थे। तो है मैं रोज सुबह उठ के प्रेयर करती थी कि आप यहाँ से प्रस्थान करो, आप यहाँ से प्रस्थान करो, गणेश जी को भी बोलती थी, पर वो नहीं जा रहे थे। मैं नहीं। घर से बाहर जाती थी तो मैं उन्हीं को बोल जाती थी कि आप ही घर का ध्यान रखना, टेक केयर करना, ठीक कोई है ठीक सामान सब स्वस्थ रहे, उन्हीं को मतलब वो बना ठीक के जाते थे। है ऐसा ठीक कुछ पर फिर भी नुकसान हुआ ही है, काफी हुआ है हाँ नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन हाँ अचानक से पता नहीं अब नियति है क्या है, इनके एक जानने वाले हैं वो अपना चूहों की दवाई ले आए, ऐसी अच्छा शेयर करा कि भी बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो दवाई ले आए। तो जैसी दवाई लाए अगले दिन वो
खा लिया और वो मर गए बहुत सब। सारी चूहे चले। हाँ, ओके तो तब से बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, ऐसा कुछ मन में था नहीं, माफी भी मांग ली कि ऐसा कुछ मन में नहीं था। जीव हत्या, जैनियों में तो एक चीटी नहीं मारते, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो उसके लिए कुछ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये कुछ इंडिकेशन था, क्या था, कुछ थोड़ा देखिए आप इस ऐसा बात होता है कई बार ना, बोलो। सिचुएशन हमारे से काम करा देती है, हमारा मन नहीं होता ना हमारे भाव होते हैं, लेकिन हाँ ऐसी बिल्कुल, सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं कि वो ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, जो है वो तो गलत तो है, लेकिन गलत तो हुआ है। उसके हाँ लिए क्या कर सकते हैं आप, कि इसके लिए कुछ ना दान निकाल लो आप। जी चूहे जी नॉर्मल तो मिलेंगे नहीं, या तो पार्क वगैरह में देखो कहीं बिल वगैरह मिल जाए, तो वहां पे चूहों उस दान से चूहों का खाना लेके वहां पे खाना रखो। एक तो तरीका ये है, सिर्फ क्या खाना। जो ये ब्रेड वगैरह खाते हैं या खील वगैरह भी खाते हैं, हम दिवाली पे रखते हैं खील रखते हैं, वैसी चीज खाते हैं, जी रोटी भी खाते जी हैं, जो भी वो खाते हैं उनको उनके बिल के आगे जी रख, और वहां पे ये भावना रखो कि हमारा ऐसा ना तो कोई भाव था ना विचार था, लेकिन जी जी प्रकृति वक्त ये काम हमारे से हो गया, जो भी गलती है उसके लिए हमारे से क्षमा भाव ना। एक तो क्षमा, ये वो तो मैं रोज ही मांग रही हूँ, मतलब फील हो रहा है दूसरा मेरे को कोई बहुत। बात नहीं। दूसरा क्या है, यदि ऐसा जगह ना मिल पाए तो क्या है, जी, उसको फिर गौशाला में हम दे, गौशाला में। जी गौशाला में अपने हाथ से ही आप चारा वगैरह लेके गवों को खिलाओ, और वहां पर क्या होता है, गऊ से आंख मिला के बातें करो। जब गाय खड़ी अच्छा हो ना और चारा खा ले, तो जी उनसे आंखें जी मिला के अपनी बात को कहो, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो ना, ऐसे उनसे बात करो। कहते हैं गाय जो है वो माँ का रूप है, ठीक है ना। तो यदि कोई मन के अंदर व्यथा है जिसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाया और हम अपनी माँ से कह देते हैं, तो हमारे मन की जो पड़ों वो सॉल्व हो जाती है, कि भी मैंने अपनी बात को कह दिया और कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है आपके माइंड में, कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाएगा, आपको भी तसल्ली मिलेगी और आप इस पाप से भी हट जाते हैं। आप इस प्रकार से चीज को कर सकते जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैं। ठीक जय हिंद। है जी, जय सर सर जय। मुझे वन बाय जैसे वन, वन बाय वन। हाँ अर्चना जी बोलो, अर्चना पाटिल जी बताए। आपने ये, हम लोग जो सांस लेते हैं वो प्रॉपर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में आपने नहीं बताया। मतलब कैसे जाने कि हम लोग प्रॉपर ले रहे हैं सांस पूरी तरह से। प्रॉपर सांस ले रहे हैं, देखिए ऐसा होता है, जो हम नॉर्मली सांस लेते हैं वो सांस क्या है, हमारे लंग्स तक ही पहुंच रहे हैं। जैसे हम रूटीन में अभी बात कर रहे हैं तो हम लंबा सांस नहीं ले रहे हैं। जो सही सांस होता है वो ब्रीथिंग होती है, लंबी सांस लेना, यानी कि जो आपका स्टमक है, बेली है, वो एक्सपैंड भी हो और श्रिंक भी हो, वो है लंबा सांस। और बैठने के वक्त ध्यान रखा जाए तो जो हम बैठ रहे हैं वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, यानी कि जो एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जाए, एंड तक, जिसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं ना, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, वहां तक एयर जाए। तो उसमें आएगा कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो रीढ़ कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पढ़ोगे वो नहीं होती, और व्यक्ति की उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि सांसों की काउंटिंग होती है इसमें। समय नहीं लिखा होता है कि व्यक्ति 50 साल के या 60 करेगा, इसके अंदर होता है कि आपकी सांसें कितनी हैं, जितनी लंबी सांस लोगे उतनी ही काउंटिंग कम होगी, कम होगी तो उम्र भी लंबी होगी। और पॉजिटिव सोचना है हमेशा, क्योंकि जितने नेगेटिव विचार आएंगे सांस की स्पीड उतनी तेज हो जाएगी। करके देखना, कभी लड़ाई होती है तो सांस की स्पीड एकदम तेज हो जाएगी, किसी को कोई आपके गलत भाव आ गए किसी के प्रति, तो आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उसको ठीक करना, न्यूट्रल में लेके आना है, तो सांसों को लंबा। ठीक, ओके जी, बीना जैन जी। सर, आज जो ग्रहण हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए रात को? अच्छा, आज ग्रहण दिल इंडिया में थोड़ी है, तो आउट ऑफ सभी कह इंडिया रहे हैं कि पूजा तो करनी चाहिए, तो मैं इसलिए मैंने आपसे पूछूं। नहीं करनी चाहिए। देखो पहली बात तो जैन उसके अंदर मानते ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में नहीं है,
नंबर 3, फिर भी आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा सेफ्टी हो, तो जो वो समय है उस समय मेन तो ये कहा जाता है कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे खासकर प्रेग्नेंट लेडी को तो जरूरी होता है कि चाकू से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई सब्जी वगैरह बिनारनी वो नहीं करनी चाहिए, ताला खोलना बंद करना ये काम नहीं करने चाहिए, मतलब जहां पे भी ये चीज है उसको तो बैठ के आराम से बैठो और जाप वगैरह आप अपने तीर्थंकर की जाप या अपने ईष्ट की जो भी आपकी जाप हो वो आप कर सकते, ये चीज। ठीक है सर, थैंक यू। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार मुद्रा के अंदर, क्योंकि आज क्या है साल का अंतिम दिन भी है ना, हिंदू पर्व के हिसाब से कल से नया वर्ष भी स्टार्ट हो रहा है, तो प्रतिक्रमण के लेते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहित सविसावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलाणम चे सवि सिंह परमम हवाई मंगल। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरे माता पिता को मेरा नमस्कार, मेरे जीवन साथी के माता पिता को मेरा नमस्कार, मेरे पितृदेवों को मेरा नमस्कार, मेरे आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे घर के अंदर मेरे घर के बाहर जो भी एनर्जी है, मेरे ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर जितनी भी एनर्जी है उन सबको मेरा नमस्कार। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रि इंद्री, चतु इंद्री, पंच इंद्री, जो अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, चार गति, 84 लाख योनि में हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे वर्तमान काल के हों, चाहे पूर्व भव में, इस भव में, सभी को मेरा जय जयदेव। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में किए गए सभी पापों के लिए, सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम शांति शांति। और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी को नव वर्ष की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नव और वर्ष की नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक बहुत बहुत यू धन्यवाद, सर, थैंक यू आप सर। सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।